हाँ जी सभी साथियों को नमस्कार आदाब सस्काल स्वागत है आप सभी का फ्यूचर लाइब्रेरियन के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जैसा कि दोस्तों आप सभी के लिए आज एक नई सीरीज का प्रारंभ पुनः कर चुके हैं आप दोबारा से आप सभी से मिलने का जो इंतज़ार है दोस्तों वो खत्म हो चुका है आज पुनः हम रूबरू होंगे कुछ एक नए प्रश्नों से और नए प्रश्नों में भी बात करूँ बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रहने वाली है ऐसा कंसेप्ट ऐसा मान लीजिए एग्जाम में कन्फर्म छपेगा पांडे जी जुड़ चुके हैं जैसे कि वेरी गुड इवनिंग आपको भी ममता वेरी गुड इवनिंग यहां से शुभ कला है शुभ कलो मल्लोत्रा वेरी गुड इवनिंग आपको भी हाँ जी शुभ कला है इसके अलावा पूजा कश्यप है वेरी गुड इवनिंग रश्मि है शुभ कला है क्या बता रहे भाई वेरी गुड आफ्टरनून वेरी गुड इवनिंग कोई दिक्कत नहीं है हाँ शुभम साहू जुड़ चुके हैं गुरु चरण स्पर्श भाई बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको आप जल्दी ही अपनी मंजिल को प्राप्त करें लड्डू गोपाल जुड़ चुके हैं वेरी गुड इवनिंग सरिता चौधरी है यहाँ से वेरी गुड इवनिंग नेहा है गुड इवनिंग लाइब्रेरी क्लासेज है वेरी गुड इवनिंग भाई आप सभी को वेरी गुड इवनिंग मेरा यही आशीर्वाद है कि आप सभी जो विद्यार्थी है वो अपनी मंजिल को जल्द से जल्द प्राप्त करें आज की सीरीज को प्रारंभ करते हैं और आज की सीरीज में बड़े ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है दोस्तों वो शामिल रहने वाले हैं ऐसा मान लीजिए ये प्रश्न एग्जाम में जो है वो कन्फर्म पूछे जाने की संभावना है इनकी और यहाँ से ये यह प्रश्न जो है दोस्तों आज हम शामिल करेंगे देखता हूं कि कितने विद्यार्थी इन प्रश्नों का एक सही और सटीक जवाब दे पाते हैं सही और सटीक जवाब बड़ा ही महत्वपूर्ण है यहाँ से आप लोग अपनी जो तैयारी है उसका एनालिसिस यहाँ से कर सकते हो कि हाँ मेरी जो तैयारी है वो कितनी और किस प्रकार से हो गई है तो आप सभी साथियों से निवेदन है एक बार क्लास को लाइक शेयर और कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज जो है वो आपके पास क्लियरली आ रही है यहां से गुरविंदर सिंह जी जुड़ चुके हैं भाई वेरी गुड इवनिंग आपको भी बिल्कुल दिलीप सिंह जी वेरी गुड इवनिंग काफी जो विद्यार्थी है उनके कमेंट अभी शो नहीं हो रहे भाई उनको भी देख लेते हैं देखे यहाँ से जो विद्यार्थी और जुड़े हुए हैं यहाँ से अपने पास पूजा मारुति है भाई क्या है पूजा वेरी गुड इवनिंग आपको भी तो देख लीजिए बात कर लेते हैं हम अपने जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड आप एक बार चैनल का जो लिंक है वो शेयर कर दीजिए वीडियोस को जो भी अपने अन्य साथी है जो जुड़ना चाहते हैं जो पढ़ने के लिए उत्साहित है आप उनके साथ में इसको क्या कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं भाई तो आज की क्लास को प्रारंभ करेंगे यहीं से इसके साथ में बता दूँ जैसे कि आपको इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा इसके अलावा अपना जो व्हाट्सअप चैनल का जो नया फीचर आया है उसका लिंक मिल जाएगा फेसबुक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जहां पर डेली हमारे द्वारा एक प्रश्न जो पर्टिकुलर प्रश्न होता है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है रोजाना एक प्रश्न पोस्ट किया जाता है तो आप जो भी जिस भी माध्यम से जुड़ना चाहते हैं वहाँ आप जुड़ सकते हैं भाई ठीक है आगे बात कर लेते हैं अपनी क्लास के बारे में और क्लास को शुरू कर देते हैं भाई आज की देखो प्रश्नोत्तरी बड़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाली है तो आप जो भी साथी जुड़े हुए हैं उन सबके साथ क्या कर सकते हैं लिंक शेयर कर सकते हैं भाई ठीक है अब देखो यहाँ से प्रारंभ कर लेते हैं अपना पहला प्रश्न सभी साथी जुड़ चुके हैं जैसा कि हीरा भी आ गए हैं भाई नमस्ते आपको भी तो आज की क्लास का आगाज प्रारंभ करते हैं और आज की क्लास में देखते हैं कितने महत्वपूर्ण या किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपकी जो स्क्रीन है उस पर शो हो रहा होगा आपको कि पुस्तकालय विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान के पांच नियमों में से क्या बात कही जा रही है कि पुस्तकालय विज्ञान के पांच नियमों में से कौन सा नियम प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा की अवधारणा को मानता है आज आपके लिए बाइलैंग्वेल क्वेश्चन है किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड जो बैरियर थे वो सारे हट जाएंगे आज से यहां से हम जो बात करने जा रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर उपलब्ध है आपके पास काफी सारे साथियों का मेरे पास कमेंट आता है जैसे कि सर बाइलैंग्वेल आप पेपर लाइए तो उसी इस प्रकार से हमने क्या किया बायोग्वेल सेट किया इसको साक्षी सिंह वेरी गुड इवनिंग आपको भी रीता सेनी है गुड इवनिंग यहां से हाँ आंसर भी देखो शुरू हो गए मैं आपका आना आंसर जो आप दो लोग दे रहे हैं कंटिन्यू बिल्कुल सबके जवाब जो आ रहे हैं जैसे कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम है या पुस्तकालय विज्ञान के पांच नियमों में से ऐसा कौन सा नियम है जो प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा की अवधारणा से जोड़ने का क्या करता है भाई कार्य करता है ठीक है ना तो इसमें जैसे आपको पास दिया गया है फर्स्ट लो है सेकेंड लो है थर्ड लो है फोर्थ है फिफ्थ है फटाफट से कमेंट कर दीजिए इनमें से कौन सा लो है और उस लो का नाम क्या है जल्दी से आप क्या कर सकते हो मुझे कमेंट कर सकते हो कौन सा लो है भाई तो और कौन सा लो रहेगा तो आप फटाफट से क्या कर सकते हो भाई कमेंट कर सकते हो कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा सभी साथियों के जवाब आ चुके हैं भाई यहां से जितने भी अपने साथी जुड़े हुए हैं उन सभी के जवाब आ चुके हैं बी ऑप्शन जो है वो मैक्सिमम विद्यार्थी दे रहे हैं भाई बी ऑप्शन यानी कि आप बता रहे हो सेकंड लॉ ठीक है ना देखिए पुस्तकालय विज्ञान के पांच नियम है और ये पांच नियमों का जो प्रतिपादन है इस पुस्तकालय विज्ञान से जितने प्रश्न बनते हैं यानी कि इन पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्रों से जितने प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्नों की मैं चर्चा करूंगा यहाँ पे आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा उन सभी को सबसे पहले तो जैसा कि मैं बता दूं ये पांच जो सूत्र है दोस्तों इन पांच नियमों का या फाइव लॉज का जो प्रतिपादन है वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा 1928 में किया गया था इनको एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने का जो कार्य है दोस्तों वो कार्य किया गया था 1931 में ठीक है ना द फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के नाम से पुस्तकालय विज्ञान की एस आर रंगनाथन की क्या थी भाई पहली पुस्तक थी और इस पुस्तक का प्रकाशन डॉक्टर के द्वारा किया गया था अब देखिए हम बात कर लेते हैं किसके बारे में तो हम चर्चा कर लेते हैं भाई पुस्तकालय विज्ञान से रिलेटेड जो और प्रश्न है अन्य जो प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं पहला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है यहाँ से कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्रों का प्रतिपादन कब किया ठीक है ना तो आपका जवाब रहेगा भाई प्रतिपादन पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्रों का जो प्रतिपादन है दोस्तों वो कब किया था तो आपको ध्यान रखना इनका प्रतिपादन जो है दोस्तों वो किया गया था 1928 में ठीक है ना उन्नीस में इनका क्या कर दिया भाई इनका प्रतिपादन कर दिया यानी कि इनको रेंडरिंग मोड में डाल दिया ठीक है ना इसके अलावा यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्र पुस्तक के रूप में कब प्रकाशित हुए ठीक है ना तो यहां से आपको ध्यान रखना है इनको पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने का जो कार्य है यानी कि इन्हें पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने का जो कार्य है वो कब किया गया था तो आपको ध्यान रखना में इसके अलावा प्रश्न पूछा जा सकता है फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो पुस्तक है उसका सेकंड एडिशन कब आया था जैसे कि फर्स्ट एडिशन तो यहां से पब्लिश हो चुका था ये तो कौन सा था आपका फर्स्ट एडिशन ये तो कौन सा था फर्स्ट एडिशन था लेकिन आपको पूछ लिया जाए कि इसका सेकेंड एडिशन इसका कौन सा एडिशन इसका सेकेंड एडिशन जो है दोस्तों वो किस वर्ष प्रकाशित किया गया था तो जवाब रहेगा 1957 में 1957 में इसका दूसरा जो संस्करण है वो प्रकाशित है कर दिया गया था किसका फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का इसके अलावा आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहां से फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की प्रस्तावना और इसकी भूमिका किसके द्वारा लिखी गई थी ठीक है ना यानी कि मैं बात करूं इसकी प्रस्तावना और इसकी भूमिका की तो इसकी प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई थी वो बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि इसका इसकी जो प्रस्तावना है दोस्तों वो प्रस्तावना किसके द्वारा और यहां से दूसरी बात करूं मैं यहां से तो आपको ध्यान रखना है इसकी भूमिका ये इसकी भूमिका किसके द्वारा लिखी गई थी ठीक है ना बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, है, तो है? है और आपको इसे, इसकी प्रस्तावना लिखने वाले व्यक्ति का नाम भी कहां से शुरू होता है पी से शुरू होता है ठीक है ना पी यानी कि पी एस सिवा अय्यर के द्वारा इसकी प्रस्तावना लिखी गई थी क्या नाम ध्यान रखना है आपको पी एस शिवा स्वामी अयर पी एस शिवा स्वामी सिवा स्वामी क्या हो जाएगा भाई सिवा स्वामी अय्यर ठीक है ना पी एस शिवा स्वा स्वामी अयर के द्वारा इनकी क्या लिखी गई इसकी प्रस्तावना लिखी गई दूसरी बात कर लेते हैं इसकी भूमिका की तो इसकी भूमिका जो है वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के गुरु थे यानी कि गुरु भी किस फील्ड के तो आपको ध्यान रखना लाइब्रेरी साइंस के गुरु थे डब्ल्यू सी बी शेयर्स यानी विलियम चार्ल्स बैरविक शेयर्स इनके द्वारा क्या लिखी गई इसकी भूमिका लिखी गई ठीक है ना तो आपको ध्यान रखना यहाँ से डब्ल्यू सी बी सैयर्स के द्वारा पूरा नाम ध्यान रखना है आपको विलियम चार्ल्स बैरविक शेयर्स के नाम से आपको ध्यान रखना है विलियम चार्ल्स बैरविक शेयर्स नामक जो व्यक्ति है वो क्या करते हैं इस पुस्तकालय विज्ञान की जो पुस्तक है द तो फाइव लोज ऑफ लाइब्रेरी साइंस या पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्र इसकी भूमिका कौन लिखता है उसकी भूमिका लिखते हैं डब्ल्यू सी शेयर्स के द्वारा लिखी जाती है अब यहां से आपको पूछा यह जा सकता है कि पुस्तकालय विज्ञान के जो फाइव लोज है वो कौन कौन से है ठीक है ना यानी पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्र कौन कौन से हैं तो वो आपको ध्यान रखना यहाँ से कि पुस्तकालय विज्ञान का पांच जो पांच सूत्र दिए गए उन्हें पहला सूत्र है पुस्तके क्या है भाई पुस्तके उपयोग के लिए है या फिर हम इसको कह सकते हैं पुस्तके उपयोगार्थ है ठीक है ना तो पहला सूत्र हो जाएगा पुस्तके क्या है भाई पहला सूत्र है यहां से पुस्तक उपयोग के लिए पुस्तके क्या है भाई पुस्तके उपयोग के लिए है उपयोग के लिए है ठीक है ना पुस्तके किसके लिए भाई पुस्तक उपयोग के लिए है ना कि उनको किसी कैबिन में किसी, किसी बॉक्स में बंद करके रखने के, के लिए नहीं है ये किसके लिए है ये उपयोग के लिए यानी बुक्स आर फॉर यूज ठीक है ना दूसरा सूत्र है इसका प्रत्येक पाठक को उसकी क्या मिले तो दूसरा सूत्र दिया गया है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले प्रत्येक पाठक को क्या मिले भाई प्रत्येक पाठक को प्रत्येक पाठक को उसकी क्या मिले प्रत्येक पाठक को उसकी उसकी पुस्तक मिले ठीक है ना प्रत्येक पाठक को उसकी क्या मिले भाई उसकी पुस्तक मिले ठीक है ना तो दूसरा सूत्र हो गया अपना प्रत्येक पाठक को उसकी क्या मिले भाई पुस्तक मिले यानी एवरी रीडर हिज या हर बुक्स ठीक है ना इस प्रकार से ध्यान रखना है तीसरा सूत्र क्या हो जाएगा तीसरा सूत्र दिया गया है प्रत्येक पुस्तक को उसका क्या मिले भाई पाठक मिले तो तीसरा सूत्र ध्यान रखना है प्रत्येक पुस्तक को भी क्या मिलना चाहिए तो प्रत्येक पुस्तक को भी प्रत्येक पुस्तक को भी क्या मिलना चाहिए उसका पाठक मिलना चाहिए ठीक है ना प्रत्येक पुस्तक को उसका क्या मिले भाई उसका पाठक मिले ठीक है यानी कि यहां से हम क्या कह सकते हैं इसी को अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेट करें कि प्रत्येक पुस्तक को उसका क्या मिले पाठक मिले तो एवरी बुक इट्स रीडर ठीक है ना ऐसे ही चौथा जो सूत्र है यानी चतुर्थ जो सूत्र दिया गया वो दिया गया आपका पाठक का क्या करो आप तो चौथा सूत्र दिया गया पाठक का पाठक का समय बचाओ पाठक का क्या बचाओ पाठक का समय बचाओ ठीक है ना यह कौन सा सूत्र है ये चौथा सूत्र दिया गया फोर्थ नंबर का जो लो है वो क्या कहता है पाठक का समय बचाओ सेव सेव टाइम ऑफ रीडर ठीक है ना इसके अलावा पांचवा जो सूत्र है दोस्तों यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है जिस पर पूरा पुस्तकालय विज्ञान टिका हुआ है यानी पांचवा सूत्र है पुस्तकालय एक वर्दनशील संस्था है द लाइब्रेरी इज ए ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म ठीक है ना पुस्तकालय क्या है एक तो पांचवा सूत्र आपको ध्यान रखना है पुस्तकालय एक क्या है तो पुस्तकालय एक पुस्तकालय एक वर्धनशील क्या है भाई पुस्तकालय एक वर्धनशील वर्धनशील संस्था है ठीक है ना पुस्तकालय एक क्या है वर्धनशील संस्था है ठीक है ना यहां से ये यह आपको ध्यान रखने ये पुस्तकालय विज्ञान के क्या बताए गए हैं पांच सूत्र बताए गए हैं तो यहां से इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि पुस्तकालय विज्ञान के फाइव लॉज कौन कौन से है ठीक है ना अब बात कर लेते हैं आगे कि आगे कौन सा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है आगे आपको पूछा जा सकता है डॉक्टर रंगनाथन के बचपन के गुरु एडवर्ड बी रोस का संबंध लाइब्रेरी साइंस के पांच नियमों में से किस नियम से संबंधित है ऐसा प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है कि जो डॉक्टर रंगनाथन थे उनके बचपन के गुरु थे जो उनको गणित विषय पढ़ाया करते थे उनका संबंध पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्रों में से किस सूत्र के साथ है ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि जो एडवर्ड बी रोस थे या एडवर्ड ब्रुन जिनका नाम था एडवर्ड ब्रुन रोस उनका संबंध किस नियम से था तो उनका संबंध जो है वो उनका संबंध पहले नियम से था प्रथम सूत्र से था पुस्तके उपयोग के लिए है ठीक ना इस सूत्र से किसका संबंध था तो ये भी आपको रखना है, इस सूत्र से एडवर्ड बी रोस का संबंध था ठीक है ना यहां मैं नोट कर देता हूं एडवर्ड एडवर्ड बी एडवर्ड बी रोस का जो संबंध था दोस्तों वो कौन से सूत्र से था तो आपको ध्यान रखना है इस प्रथम सूत्र से था ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है इसके अलावा यहां से देखो आपको और क्या पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो आपको ध्यान रखना है पुस्तकालय नहीं यहां से ध्यान रखना है आपको हाउ सिंपल हाउ ट्रेवल एंड एंड येट हाउ सेमिनल ठीक है ना हाउ सिंपल हाउ ट्रेवल एंड येट हाउ सेमिनल पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र के बारे में यह किसने कहा है ऐसा प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है दोबारा से सुन लीजिए आप हाउ सिंपल हाउ ट्रेवल हाउ एंड ट हाउ सेमिनल पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र के बारे में यह कथन किसने कहा है तो यह भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है दोस्तों नए नए प्रश्न आ रहे हैं आपके लिए देखिए आप लगातार बने रहिए साथ में चैनल को सपोर्ट करते रहिए आप जैसा कि आप दोस्तों का जो प्यार है वो हमें यहां तक इस प्लेटफॉर्म तक खींच कर लाता है तो यहां से आपको ध्यान है नई नई अपडेट जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा यहां से फ्यूचर लाइब्रेरियन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तो यह जो कथन मैंने आपको बताया कि हाउ सिंपल हाउ ट्रेवल एंड येट हाउ सेमिनल ये जो कथन है दोस्तों यह प्रथम सूत्र के बारे में कहा था किसके द्वारा कहा गया डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा यह कथन दिया गया था इसके अलावा यहां से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर कौन सा सूत्र सबसे अधिक बल देता है पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर कौन सा सूत्र सबसे अधिक बल देता है ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको तो यहां से आपको ध्यान तो तो रखना है इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा कि पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर कौन सा सूत्र सबसे अधिक बल देता है है तो ध्यान रखना दूसरा सूत्र और दूसरा सूत्र क्या है प्रत्येक पाठक को उसकी क्या मिले उसकी पुस्तक मिले ठीक है ना ये सेकंड सूत्र जो है वो किस पर अधिक बल देता है तो पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर सर्वाधिक बल देने वाला सूत्र कौन सा है तो यह आपका दूसरा सूत्र है ठीक ना पुस्तकालय अधिनियम लिख देता हूं यहां से पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर सर्वाधिक बल देने वाला जो सूत्र है वो कौन सा है आपका तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों पुस्तकालय अधिनियम की अधिनियम की पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर बल देने सर्वाधिक बल देने वाला सूत्र कौन सा है दूसरा सूत्र है सेकंड लॉ है ठीक है ना इसके अलावा आपको क्या पूछा जा सकता है इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र इस बात का प्रावधान करता है कि पुस्तकालय सेवा चलाना सरकार का दायित्व है सरकार की ड्यूटी है ये तो ऐसा जो ए, ऐसा कौन सा सूत्र ये बात कहता है या कौन सा सूत्र इस बात की पुष्टि करता है कि पुस्तकालय विज्ञान का दोबारा से रिपीट कर देता हूं पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र इस बात का प्रावधान करता है कि पुस्तकालय सेवा चलाना सरकार का दायित्व है या सरकार का कर्तव्य है तो ऐसा कार्य करने के लिए जो बाधित करने वाला जो सूत्र है दोस्तों वो भी कौन सा आपका सेकेंड लो है कि प्रत्येक पाठक को उसकी क्या मिले प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले इसके लिए बल देता है कौन सा दूसरा सूत्र अब देखो यहां से और भी कई प्रकार के प्रश्न आपको यहां से पूछे जा सकते हैं जैसे पुस्तकालय विज्ञान के बारे में देखो पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक की स्वतंत्रता के बारे में समर्थन करता है तो यह भी कौन सा समर्थन करता है पाठक की स्वतंत्रता तो पाठक की स्वतंत्रता से रिलेटेड ध्यान रखना है आपको पाठक की स्वतंत्रता से रिलेटेड कौन सा सूत्र है दोस्तों तो यहां से आपको ध्यान रखना है किससे रिलेटेड पाठक की पाठक की स्वतंत्रता से संबंधित पाठक की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा सूत्र है तो आपको यह भी ध्यान रखना है सेकंड लो है पाठक की स्वतंत्रता से रिलेटेड ठीक है ना यह बहुत ही अच्छे प्रश्न है इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है पुस्तकालय पाठक शिक्षा यानी लाइब्रेरी यूजर एजुकेशन की बात हो रही है पुस्तकालय पाठक शिक्षा का संबंध पुस्तकालय के कौन से नियम से है तो यहां से यूजर एजुकेशन की जब भी बात आएगी किससे रिलेटेड यूजर एजुकेशन यूजर एजुकेशन की जब भी बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है यूज़र एजुकेशन से रिलेटेड भी कौन सा सूत्र है आपका सेकंड लो है दूसरा सूत्र है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है ना पुस्तकालय पाठक शिक्षा या लाइब्रेरी यूजर एजुकेशन से रिलेटेड भी कौन सा सूत्र है दूसरा सूत्र है ऐसे ही आपको पूछा जा सकता है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालयों के नेटवर्क पर जोर देता है तो पुस्तकालय नेटवर्क की जब भी बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है पुस्तकालय नेटवर्क पर जोर, जोर कौन देता है कौन सा लो देता है तो यहां भी आपको याद रखना है सेकेंड लो जो है वो किस पर जोर देता है पुस्तकालय नेटवर्कों पर जोर देता है इसके अलावा यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है आपको यानी नेत्रहीनों यानी कि दिव्यांग जो व्यक्ति है नेत्रहीनों के लिए शिक्षा कौन सा सूत्र प्रदान करता है नेत्रहीनों को शिक्षा मिलनी चाहिए यह बात भी कौन सा सूत्र कहता है दोस्तों तो यह भी आपको ध्यान रखना है नेत्रहीनों या जो भी दिव्यांग व्यक्ति है उनको शिक्षा मिलनी चाहिए यह बात भी कौन कहता है तो आपको ध्यान रखना है नेत्रहीनों जो भी नेत्रहीन व्यक्ति है उनको शिक्षा मिले यह बात भी कौन कहता है यह बात भी दूसरा सूत्र कहता है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए चाहे वो दिव्यांग हो या भले ही वो एक साधारण मनुष्य हो ठीक है ना इसके अलावा यहां से आपको पूछा जा सकता है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र प्रचार से रिलेटेड है प्रचार से संबंधित कौन सा है ठीक है ना तो प्रचार से संबंधित देखो यहां से प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले जब हम प्रचार करेंगे तभी तो लोग कहां तक पहुंचेंगे पुस्तकों तक जुड़ेंगे पुस्तकों से जुड़ेंगे या पुस्तकों तक पहुंचेंगे तो प्रचार से रिलेटेड किस कौन सा सूत्र है तो आपको ध्यान रखना है प्रचार से रिलेटेड सूत्र है अपना थर्ड लो तीसरा सूत्र जो है वो किससे रिलेटेड है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है जो प्रचार से संबंधित है तो ध्यान रखना है तीसरा सूत्र बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है दोस्तों ये इसके अलावा बात करूं यहां से आपको क्या पूछा जा सकता है इसके अलावा पूछा जा सकता है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र मुक्त द्वार प्रणाली की पालना करता है ओपन एक्सेस सिस्टम की पालना कौन सा सूत्र करता है तो वहां भी आपको ध्यान रखना है ओपन एक्सेस सिस्टम जो है उसके लिए भी कौन सा सूत्र बाध्य करता है तो आपको ध्यान रखना है ये तीसरा जो सूत्र है वो क्या करता है मुक्त द्वार प्रणाली की पालना करता है मुक्त द्वार प्रणाली या मुक्त प्रवेश प्रणाली मुक्त द्वार प्रवेश प्रणाली भी बोलते हैं इसको या फिर इसी को कह सकते हैं ओपन एक्सेस सिस्टम यह भी किससे संबंधित है तीसरे सूत्र से रिलेटेड है मेरे दोस्तों तो यह भी आपको ध्यान रखना है यहां से इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है इसके अलावा पूछा जा सकता है पुस्तकालय में पुस्तकों के अस्वीकार की आवश्यकता अस्वीकार की आवश्यकता पुस्तकालय विज्ञान के कौन से सूत्र में दी गई है यानी कि हम जो बात करने चाह रहे हैं वो कहना चाह रहे हैं नीड फॉर द रिजेक्शन ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय में पुस्तकों की अस्वीकार की आवश्यकता यानी कि उसकी जरूरत नहीं है उनको बाहर निकाल लिया जाए जिनकी जरूरत नहीं उनको बाहर निकाला जाए ऐसी जो बात है वो कौन सा सूत्र कहता है तो वो आपको ध्यान रखना है कि अस्वीकार की जो आवश्यकता पर बल देता है वो कौन सा है वो पांचवा सूत्र है ठीक है ना कौन सा सूत्र अस्वीकार की आवश्यकता अस्वीकार की क्या हो जाएगी अस्वीकार की आवश्यकता ठीक है ना यानी जो पुस्तकें अनुपयोगी है उनको बाहर किया जाए इसकी पालना कौन सा सूत्र करता है पांचवा सूत्र करता है इसके अलावा पूछा जा सकता है आपको पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र प्लानिंग मैनेजमेंट और संगठन से संबंधित है प्लानिंग मैनेजमेंट और संगठन से संबंधित है।, है ऐसा कौन सा सूत्र है तो भी आपको ध्यान रखना है पांचवा सूत्र ये पांचवा सूत्र प्लानिंग से संबंधित है मैनेजमेंट से संबंधित है और ये किससे रिलेटेड है ये संगठन से रिलेटेड मेरे दोस्तों तो आपको ये भी ध्यान रखना है प्लानिंग प्लानिंग के अलावा मैंने क्या बताया मैनेजमेंट और संगठन इनसे संबंधित कौन सा सूत्र है पांचवा सूत्र है मेरे दोस्तों ठीक है ना इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है इसके अलावा पूछा जा सकता है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठकों के सामने पुस्तकों को लाए जाने से संबंधित है कि पाठकों के सामने पुस्तकों को, को उपस्थित किया जाए तो प्रत्येक पाठक को उसका प्रत्येक पुस्तक उसका पाठक मिले तीसरा सूत्र इस बात की क्या करता है पालना करता है यह बात भी क्या ध्यान रखना है आपको इंपोर्टेंट तौर पर ध्यान रखना है इसके अलावा पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र सूचना गतिशील अनंत और अविरल है इसके बारे में जानकारी देता है बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई तो यहां से आपको ध्यान रखना है सूचना गतिशील अनंत और अविरल है इसके बारे में भी जानकारी कौन देता है पांचवा सूत्र इसके बारे में बताता है हमें कि सूचना क्या है सूचना गतिशील है सूचना अविरल है सूचना अनंत है इसके बारे में कौन सा सूत्र पुष्टि करता है पांचवा सूत्र पुष्टि करता है इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है आपको इसके अलावा पूछा जा सकता है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठ बता चुका हूं जैसे कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठकों को, को पाठकों के सामने पुस्तकों को लाए जाने से संबंधित है कौन सा सूत्र है तो आपको ध्यान रखना है तीसरा सूत्र है मेरे दोस्तों इसके अलावा विस्तार सेवा यानी एक्सटेंशन सर्विस की बात करूं तो विस्तार सेवा पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को संतुष्ट करती है विस्तार सेवा जिसमें प्रचार और तो यहां से आपको रखना है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले तीसरे सूत्र की क्या करता है पालना करता है विस्तार सेवा कहां आएगी एक्सटेंशन सर्विस कहां आएगी तीसरे सूत्र में आएगी ठीक है ना यह भी आपको ध्यान रखना है इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है सार्वजनिक पुस्तकालयों में जैसे कि पूछा जा सकता है आपको सार्वजनिक पुस्तकालयों में नेत्रहीनों यानी दिव्यांगों के लिए विस्तार सेवा किस सूत्र का किस सूत्र को संतुष्ट करती है तो सार्वजनिक पुस्तकालय में नेत्रहीनों या दिव्यांगों के लिए विस्तार सेवा किस सूत्र को संतुष्ट करती है ध्यान रखना तीसरे सूत्र को संतुष्ट करती है ठीक है ना जैसे कि मैंने अभी यहां पर देखो नेत्रहीनों के लिए बताया था अलग से लेकिन यहां बात हो रही है विस्तार सेवा और सार्वजनिक पुस्तकालय में नेत्रहीनों के लिए विस्तार सेवा तो कौन सा सूत्र आएगा तीसरा सूत्र आएगा प्रत्येक पाठक को उसक... प्रत्येक पुस्तक को उसका क्या मिले पाठक मिले ठीक है ना इसके अलावा प्रत्येक प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले किस पर सबसे अधिक बल देता है ये जो ये जो सूत्र है ये पुस्तकालय की सेवाओं पर सर्वाधिक बल देता है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले किस पर बल देता है तो यहां से आपको ध्यान रखना है ये पुस्तकालय की सेवाओं पर बल देता है इसके अलावा पुस्तकालय अनुक्रमणीकरण सारकरण ये पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र से संबंधित है यानी इंडेक्सिंग और एब्सट्रेक्टिंग जो है वो पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र से संबंधित है भाई इंडेक्सिंग और एब्सट्रैक्टिंग जो सर्विस है वो पुस्तकालय विज्ञान के कौन से सूत्र से संबंधित है ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट तौर पर यह आ गई इंडेक्सिंग ठीक है ना ये आ गई आपकी इंडेक्सिंग और ये आ गई आपकी एब्सट्रैक्टिंग ठीक है ना दोनों ही चौथे सूत्र से संबंधित है पाठ्यक का क्या करो समय बचाओ पाठक का समय बचाओ सेव द रीडर्ड ऑफ टाइम ठीक है ना तो यहां से सेव दे टाइम ऑफ रीडर जो है वो कौन से सूत्र है चौथा सूत्र है अपना और ये क्या करता है ये इंडेक्सिंग और जो सर्विस है उसको क्या करता है बढ़ावा देने का कार्य करता है इसके अलावा पुस्तकालय में फास्टली सर्विस फास्ट जल्दी फास्टली सर्विस किस पुस्तकालय नियम से संबंधित है तो फास्ट जो सर्विस है वो भी किससे चौथे सूत्र से है यानी पाठक का समय बचाओ जल्दी काम करोगे तो पाठक का समय बचेगा ठीक है ना इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस के यहां से एक नया प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि लाइब्रेरी साइंस के कौन से नियम में स्टॉक रूम गाइड का प्रावधान है स्टॉक रूम गाइड एक स्टोर रूम स्टॉक रूम के लिए क्या होनी चाहिए गाइड होनी चाहिए ऐसा प्रावधान भी कौन करता है चौथा सूत्र करता है दोस्तों तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस अगर आप इसको विस्तार पूर्वक पढ़ते हो तो ऐसा मान लीजिए यहां से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा इसमें और भी कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जैसे पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालयों को डिजिटल बनाने के महत्व पर बल देता है ध्यान देता है तो यहां से आपको रहे हैं कि चौथा और पांचवा जो सूत्र है वो पुस्तकालय विज्ञान के ऐसे सूत्र जो पुस्तकालय को क्या करता है डिजिटल बनाने की और क्या करता है ध्यान आकर्षित करता है ठीक है ना चौथा सूत्र और पांचवा सूत्र यह बात आपको ध्यान रखनी है इसके अलावा पुस्तक के पुस्तक के पुस्तक एक जीवित सत्ता है ठीक है ना पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र इस बात को इंगित करता है या इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करता है कि पुस्तकालय एक जीवन क्या है एक जीवन वस्तु है या जीवित वस्तु है ठीक है ना तो पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है ये पांचवा सूत्र है दोस्तों ये भी आपको क्या रखना है ध्यान रखना है इसके अलावा पूछा जा सकता है आपको कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय पुस्तकालय के विकास से संबंधित है तो पुस्तकालय के विकास से संबंधित या पुस्तकालय के डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सा है पांचवा सूत्र है ठीक है ना इसके अलावा पूछा जा सकता है कि कौन सा सूत्र आधुनिक पुस्तकालय में सीडी रोम की आवश्यकता पर बल देता है पूछा गया प्रश्न है छपा हुआ एग्जाम में तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि पुस्तकालय कौन सा सूत्र आधुनिक पुस्तकालय में सीडी रोम की आवश्यकता पर बल देता है पांचवा सूत्र देता है भाई पांचवा सूत्र क्या करता है आधुनिक जो नया जो वर्तमान की जो लाइब्रेरीज है उनमें क्या करता है सीडी रोम की आवश्यकता पर बल देता है इसके अलावा यहां से पूछा जा सकता है आपको कि पुस्तकालय विज्ञान में बाल एवं वयस्क विकास पर किस सूत्र में विचार किया गया है तो यह भी पांचवा सूत्र आपका बाल विकास और वयस्क विकास पुस्तकालय का विकास दो प्रकार से होता है एक बाल विकास होता है और एक वयस्क विकास होता है कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो आप मुझे कि बाल विकास में क्या होता है और विकास में 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 क्या क्या होता होता है है और वयस्क पुस्तकालय के में। इसके अलावा पूछा जा सकता है यहां से पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय कर्मी की संख्या से संबंधित है यानी कि पुस्तकालय में जो कर्मचारी है उनकी संख्या से संबंधित है तो यह भी कौन सा है पांचवा सूत्र है मेरे दोस्तों ठीक है ना तो ये सारी बातें आपको किसके बारे में पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्रों के बारे में एक रूप में समझाने का मैंने प्रयास किया है ठीक है ना तो यहां से आपको थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा बड़ा ही एक प्रश्न के बारे में देखो एक ही, ही टॉपिक से कितने ही प्रश्न बना दिए हमने लगभग थर्टी के आसपास प्रश्न बना दिए यहां से आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़ेंगे नया प्रश्न अपने सामने है समाज में एक पुस्तकालय की भूमिका के संदर्भ में यह किसने कहा है कि लाइब्रेरी हमारी क्या है भाई लाइब्रेरी हमारी सांस्कृतिक परिवक्त परिपक्वता का उत्पाद है यानी लाइब्रेरी इन ए सोसाइटी लाइब्रेरी इज ए प्रोडक्ट ऑफ अवर मेट्रेशन तो यह जो कथन है यह किसके कहा गया। मेरे दोस्तों फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि लाइब्रेरी हमारी सांस्कृतिक परिपक्वता का उत्पाद है ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन है तो फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए भाई ऐसा किसके द्वारा और किसके द्वारा कहा गया है ठीक है ना बिल्कुल ऑप्शन आ रहे हैं भैया आवत जा जवाब आ रहा है आपका बिल्कुल बायलैंग्वेल क्वेश्चन आप सभी दोस्तों के लिए आरती का जवाब आ चुका है पूजा का आ चुका है भाई ममता का आ रहा है यहां से पूजा कश्यप का आ चुका है माई लव देश प्रेमी का आ चुका है भाई यहां से यूजिन गारफील्ड बता रहे हैं भाई दो नंबर ऑप्शन बता रहे हैं यहां से सरिता चौधरी सी बता रहे हैं यहां से साक्षी कह रहे थर्ड लॉ ओपन एक्सेस भाई पुरानी बातें हो गई आगे बढ़ो फटाफट आगे बढ़ो जल्दी बढ़ताओ फटाफट से सुमन का जवाब आया सी ऑप्शन आ रहा है भाई सी ऑप्शन आ रहा है भाई सी देखिए यहां से एक दो तीन यूज इन फटाफट से बता दीजिए भाई क्या होगा इसका सही जवाब बहुत ही अच्छा प्रश्न है एग्जाम में छपने के चांसेस है भाई पूरे पूरे पुस्तकालय यहां समाज में एक पुस्तकालय की भूमिका के संदर्भ में ये किसने कहा है कि लाइब्रेरी हमारी सांस्कृतिक परिपक्वता का उत्पाद है और ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम है भाई यहां से ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा जे एच शेरा के द्वारा कहा गया ऐसा जे एच सेरा क्या कहता है कि लाइब्रेरी हमारी सांस्कृतिक परिपक्वता का क्या है भाई उत्पाद है ऐसा ऐसी डेफिनेशन या ऐसा कथन कहने वाले व्यक्ति का नाम है जे एच सेरा बढ़ जाते हैं आगे की ओर चार नंबर बिल्कुल भाई पूजा कुमारी का सही जवाब है बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़ेंगे यहां से भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी तो बात हो रही है भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय व्यवस्था प्रारंभ करने की तो किसके द्वारा की गई थी द पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इन इंडिया किसके द्वारा की गई थी लाड कर्जन है सीना कमेटी एस ऐसा रंगनाथन है ऐसा डॉन डिकिंसन है इसके अलावा सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय है जल्दी से भाई कमेंट कर दीजिए यहां से ऑप्शन क्या आएगा कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा इसका जवाब फटाफट से दे दीजिए भाई वेट हो रहा है आपकी क्वेश्चन का आपके जो है आंसर है उसका वेट कर रहा हूं मैं आरती का जवाब आ चुका भाई अंशु जायसवाल का जवाब आ चुका है ई ऑप्शन बता रहे हैं भाई ई ऑप्शन आरती बता रहे हैं यहां से भाई डिलीट मत करो फटाफट आपको जवाब देते रहो प्रश्नों की संख्या ज्यादा है समय हमारे पास कम है फटाफट से बता दीजिए भाई ई ऑप्शन आ रहे हैं मैक्सिमम विद्यार्थियों के रंगनाथन नहीं है माइलव रंगनाथन नहीं है भाई माइलव देश प्रेमी डबल जीरो सेवन रंगनाथन नहीं होंगे क्या होगा भाई देखिए भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय व्यवस्था को शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था तो आपको ध्यान रखना है कौन भाई सियाजी राव गायकवाड़ थैड जो है वो भारत में क्या करते हैं सर्वप्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय व्यवस्था को प्रारंभ करने का कार्य करते हैं पुस्तकालय आंदोलन का जनक भी कहा जाता है इनको सियाजी राव गायकवाड़ थैड को बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई यहां से जीराव गायकवाड़ की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म हुआ था 11 मार्च अठारह को ठीक है ना कब हुआ था जन्म तो यहां से आपको ध्यान रखना इनका जन्म कब होता है 11 मार्च अठारह हो जाता है भाई इनका जन्म हो ग्यारह मार्च अठारह सौ तिरसठ को एग्जाम में गलती से पूछ लिया जाए तो बिल्कुल टिक टिकमार कर देना मर इनकी मृत्यु हो जाती है छह फरवरी उन्नीस में मृत्यु की अगर मैं बात करूं तो कब हो जाती है छ फरवरी उन्नीस में इनकी क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है छह फरवरी उन्नीस में ये प्रलोक सिदा जाते हैं साथ ही आपको ध्यान रखना है ये कौन थे बड़ौदा रियासत के राजा थे बड़ौदा के क्या थे भाई ये? राजा थे और वे स्वतंत्र प्रवृत्ति के शासक भी थे इसके साथ ही आपको रखना है कुप्रथाओं के विरोधी और शिक्षा प्रेमी थे ये उनके शासन काल में बड़ौदा देशी राज्यों में सबसे प्रगतिशील राज्य था उस समय पे साथ ही आपको ध्यान रखना है बड़ौदा रियासत के राजा सियाजी जो राव गायकवाड़ तरतीय थे उनका बचपन का नाम था गोपाल राव शिवाजी राव का बचपन का नाम क्या था भाई यहाँ से शिवाजी राव एक बार थर्ड थे उनका बचपन का नाम था गोपाल राव गोपाल राव ठीक है ना यहाँ से ये भी आपको ध्यान रखना है गोपाल राव इनके बचपन का नाम था जन्म जैसे बता चुका हूं कब हुआ है ग्यारह मार्च अठारह को जन्म होता है एक गरीब किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था जब वे छोटे बालक ही थे तब अंग्रेजों ने बड़ौदा के महाराजा मल्हार राव को गद्दी से हटाकर गायकवाड़ खानदान का होने के कारण गोपाल राव को सयाजी गायकवाड़ थर्ड तृतीय के नाम से गद्दी पर बिठा दिया था ठीक है ना मल्हार राव को हटाकर इन्हें गद्दी पर बिठा दिया गया था ठीक है ना सयाजी राव को कोई शिक्षा नहीं मिली थी बचपन में इसके अलावा भी उन्होंने देखो उनको बचपन में कोई शिक्षा नहीं मिली फिर भी उन्होंने मराठी गुजराती और उर्दू में अध्ययन आरंभ किया अपना जो स्टडी मटेरियल है वो प्रारंभ किया इन्होंने स्टडी शुरू की ठीक है ना इन चीजों में या इन भाषाओं में उनको ज्ञान था ठीक है ना यह बात भी आपको ज्ञान रखनी है लगभग बारह बारह घंटे ये अपनी जो परिश्रम है परिश्रम करके उन्होंने सफलता प्राप्त की थी ठीक है ना तो यहाँ से एक कुशल प्रशासक थे एक और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है ये किस प्रकार के व्यक्ति तो जो बता चुका हूं ये शिक्षा प्रोमी और कुप्रथाओं के ज्ञाते भाई विरोधी थे ठीक है ना बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें हैं इनके द्वारा ही 1910 के आसपास भारत में क्या किया गया भाई पुस्तकालयों की स्थापना की शुरुआत की गई ठीक है ना इसके अलावा इनके द्वारा और भी कई कार्य किए गए थे किसके क्षेत्र में समाज के क्षेत्र में जैसे इन्होंने बड़ौदा राज्य में जो ट्रेन है उन ट्रेनों का जाल भी इनके द्वारा फैलाया गया था ठीक है ना स्वेच्छ ऐसा इन्होंने उस समय अंग्रेजों के समय इन्होंने अपनी सेना का गठन किया था बड़ा ही बहुत जो महत्वपूर्ण कार्य है वो इनके द्वारा किए गए साहित्य कला इनके क्षेत्र में भी इनको कई इनके कार्य किए गए थे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी इन्होंने कई कार्य किए हैं जैसे कपड़े बुनने की मशीन तक उस टाइम पे लगा दी थी इसके अलावा कला भवन की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी ठीक है इसके अलावा शासन में चुनाव की प्रथा भी थी उस समय तो सबसे पहले बड़ौदा राज्य में शुरू हुई थी चुनाव की जो प्रक्रिया थी पंचायत से लेकर असेंबली तक के चुनाव करवाए गए थे वहां पे ठीक है ना तो बड़े ही सारगर एक तरीके से बड़े ही विद्वान शासक रहे हैं ये हाँ जी बिल्कुल आप सभी के जवाब आ रहे हैं भाई बिल्कुल आ रहे हैं इसके अलावा देखो एक इंपॉर्टेंट बात सियाजी राव गायकवाड़ के बारे में आप याद रख लेना वे सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है वे शिक्षा के प्रेमी थे ठीक है ना शिक्षा प्रेमी थे धार्मिक विचारों में समन्वयवादी थे अछूतों का उत्थान करने वाले थे इसके लिए और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है रखने देखने वाली बात यह कि अंतरजातीय विवाह के ये समर्थक थे उनको शिक्षा प्रेम के कारण 1924 में कब भाई 1924 में 1924 में 1924 में किसके कारण शिक्षा प्रेमी होने के कारण किसका काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया था इनको ठीक ना किसका भाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय का काशी हिंदू विश्वविद्यालय का क्या बनाया गया काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया था इनको उस समय पे ठीक है ना यह बात भी आपको क्या रखनी है इंपॉर्टेंट तौर तो पर ध्यान रखनी है भाई ठीक है ना मृत्यु के बारे में जैसे बता ही चुका हूं मैं छह फरवरी उन्नीस सौ उनचालीस को क्या हो जाती है इनकी मृत्यु हो जाती है ठीक है ना बढ़ जाते हैं आगे की प्रश्न की ओर तो इसका जवाब तो आपने क्या रह जाएगा सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड हो जाएगा निम्नलिखित में से किस राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू नहीं किया गया है ऑप्शन आपके सामने है यहां से मणिपुर है मेघालय है मिजोरम है महाराष्ट्र है उत्तरांचल है तो कौन से राज्य में पुस्तकालय अधिनियम जो है वो लागू नहीं हुआ है इनमें से <laughs> क्या बोल रहे हो भाई आपका जो कमेंट है मुझे वो देखो तीन यूट्यूब चैनल पे क्लास चल रही है तो मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है बताइए प्लीज आंसर में, में मेरा कमेंट नहीं दिखा रहा है भाई आप जुड़ सकते हो दूसरा चैनल सर्च कर लीजिए आप फ्यूचर लाइब्रेरियन फॉर लाइब्रेरी साइंस साक्षी सिंह कह रही है ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है बेटा कोई रिकॉर्डेड नहीं है ये मेरा कमेंट नहीं दिख रहा आपका कमेंट नहीं दिख रहा क्योंकि आपका जो कमेंट है वो किसी दूसरी स्क्रीन पर चल रहा है धर्मपाल आर्या भी जुड़ चुके हैं बिल्कुल तो आप फटाफट से कमेंट कर सकते हो मुझे अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पे फ्यूचर लाइब्रेरियन फॉर लाइब्रेरी साइंस सर्च कर लीजिए वहां पर भी क्लास चल रही है और उस पर आप क्या कर सकते हो आपका कमेंट जो है वो वहां भी मुझे शो हो जाएगा भाई आराम से देख लीजिए भाई कितने जवाब आ रहे हैं भाई यहां से देखो सभी के जवाब आ रहे हैं भाई यहां से सर ये तो अच्छा पढ़ाते हैं मैंने तो आज फर्स्ट टाइम भाई बालाजी डॉक्टर कह रहे हैं सर ये सर तो अच्छा पढ़ाते हैं भाई मैंने तो आज फर्स्ट टाइम क्लास देखा है बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को रोजाना पढ़ाते हैं हम जब भी क्लास होती है तब तब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा रश्मि कह रहे हैं उन्नीस बिल्कुल भाई माई लव देश प्रेमी बिल्कुल बिल्कुल रश्मि आरती ई बता रहे हैं भाई पूजा कश्यप यहाँ से ममता मल्होत्रा है रश्मि तिवाड़ी है यहाँ से सोनू स्वामी है पूजा कुमारी है बिल्कुल पूजा कश्यप यहाँ से उत्तरांचल बता रहे हैं गुरविंद्र सिंह ई बता रहे हैं आरती ई ऑप्शन राइट बता रहे सोनू स्वामी बता रहे सरिता ई बता रही है यहां से सीबा बेगम सीबा बेगम बी बता रहे भाई रीता सेनी है यहां से बिल्कुल बिल्कुल भाई देखिए इसका सही जवाब क्या होगा भाई फटाफट से देख लेते हैं हम इसका सही जवाब क्या होगा भाई आप लोग जैसे क्या बता रहे हो यहाँ से ई ऑप्शन बता रहे हो भाई बहुत सारे मेरे विद्यार्थी जो है वो ई ऑप्शन बता रहे यहां से अब देखिए मुझे आपको बस प्रश्न बहुत आसान है भाई प्रश्नों में कोई कमी नहीं है बिल्कुल बिल्कुल इजी लेवल का प्रश्न एकदम लेकिन देखिए साक्षी जुड़ चुके हैं भाई प्रश्न जो है वो बिल्कुल इजी है उत्तर क्या होगा इसका देखो एक मिनट में बिल्कुल अभी क्या बता रहे हैं भाई जो बी ऑप्शन बता रहे हो उनका जवाब बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा जिनका जवाब बी है वो करेक्ट हो जाएगा भाई अरे मणिपुर में पुस्तकालय अधिनियम लगा हुआ है ठीक है ना लागू किया हुआ है इसके अलावा मिजोरम में भी लागू किया हुआ है महाराष्ट्र में भी किया हुआ है उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में भी लागू है उत्तराखंड में 2005 में हुआ था बिल्कुल तो ऐसे आप प्रश्नों को गलत मत करो भाई सही जवाब दो थोड़ा सा एनालिसिस करो दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो आप और अपना जो आंसर है वो करेक्ट डालो आप प्रश्न इस प्रकार के गलत होते हैं हाँ भाई साक्षी कह रहे हैं सर यहाँ भी बिल्कुल यहाँ भी हम ही अवेलेबल है देखिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं पुस्तकालय ले अधिनियमों के बारे में भाई पुस्तकालय अधिनियम कौन कौन से देखिए मोस्टली लोगों को तो पता ही नहीं है भाई कहा पुस्तकालय अधिनियम लागू हुए हैं कहा बने कहा नहीं बने देखो मैं बात करूं 1933 और 1937 में तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने सबसे पहले मद्रास लाइब्रेरी अधिनियम तैयार किया था ठीक है ना बात करूं 1933 में भी इसने प्रयास किया था और बात करूं 1937 की तो 1937 में भी क्या किसने प्रयास किया था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने किसने भाई तो ध्यान रखना है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने क्या किया भाई प्रयास किया पुस्तकालय अधिनियम मद्रास में पुस्तकालय अधिनियम तैयार किया और उसको लागू करने का प्राप्त क्या किया भाई उसको प्रस्तुत भी किया लेकिन किसी कारणवश यह पारित नहीं हो सका उस समय यह क्या नहीं हो सका उस समय यह पारित नहीं हो सका स्वतंत्र भारत की मैं बात तो स्वतंत्र भारत में यही अधिनियम 1948 में मद्रास राज्य में पारित किया गया तो भारत में सो सबसे पहले पुस्तकालय अधिनियम है वो कहा पारित हुआ मद्रास में ठीक है ना तो सबसे पहले बात आती है यहां से किसकी भाई मद्रास की ठीक है ना सबसे पहले मद्रास में स्वतंत्र भारत की बात है यहां से उन्नीस में कहा पारित हुआ मद्रास राज्य में पारित किया गया पुस्तकालय अधिनियम पारित करने वाला भारत का पहला राज्य था ये कौन सा मद्रास इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अब तक उन्नीस राज्यों में अपने आ, उन्नीस राज्यों ने अपने राज्य में पुस्तकालय विधान या पुस्तकालय जो अधिनियम है वो पारित किया है लगभग उन्नीस राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है ठीक है ना इसके अलावा देखो मैं एक एक की बात कर लेता हूं यहां से एक एक आपको समझा देता हूं भाई मद्रास राज्य की अगर बात करें तो कब आया था उन्नीस में आया था इसके अलावा मद्रास के अलावा ध्यान रखना आपको आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश में 1960 में कर्नाटक में होता है 1965 में 65 में ठीक है ना इसके अलावा यहां से आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र महराश्ट्र महाराष्ट्र में कब होता है तो यहां से आपको ध्यान रखना है 1967 में लागू होता है 1967 में महाराष्ट्र में इसके अलावा यहां आ जाता है पश्चिम बंगाल ठीक है ना यहां से मैं इंग्लिश में लिख देता हूं इसको शॉर्ट रूप में डब्ल्यूबी यानी वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में आ जाता है 19 वेस्ट बंगाल में कब आता है भाई 1979 में उन्यासी जिसको बोल सकते हैं हम 1979 में कहा जाता है वेस्ट बंगाल में आ जाता है इसके अलावा मणिपुर मणिपुर में ध्यान रखना आपको मणिपुर मणिपुर ऊपर दिया गया भाई मणिपुर देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपको मणिपुर का और मणिपुर में कब लागू हो जाता है नाइनटीन में लागू हो जाता है नाइनटीन में मणिपुर में लागू हो जाता है इसके बाद में धीरे धीरे नीचे आएंगे तो हरियाणा आ जाएगा और गोवा आ जाएगा ठीक है ना तो यहां से आपको ध्यान रखना है हरियाणा का हरियाणा हरियाणा में कब पारित किया गया था तो यहां से ध्यान रखना 1989 में कहा, में कहा हरियाणा में पारित किया गया था इसके अलावा गोवा की मैं बात करूं तो गोवा में कब आ जाता है ये गोवा में आ जाता है 1993 में उन्नीस सौ में, में कहा आ जाता है गोवा में आ जाता है मिजोरम की भी बात करूं यहां से तो मिजोरम में भी कब आ जाता है मिजोरम तो मिजोरम भी आपको ध्यान रखना है ऑप्शन में दिया गया है नाइनटी थ्री में ठीक है ना मिजोरम में कब आ जाता है तो नाइनटीन नाइनटी थ्री में गोवा और मिजोरम दोनों में यहां से आपको ध्यान रखना है ठीक है ना इसके अलावा यहां से की बात ध्यान से रखनी है आपको पद्दुचेरी में क्या बात है तो पद्दुचेरी या पांडिचेरी जिसको कहते हैं सिक्स में ठीक है ना पद्दुचेरी में क्या बात है नाइनटीन नाइनटी सिक्स में उन्नीस सौ छियानवे में आ जाता है गुजरात में और ओडिशा की बात ध्यान रखना गुजरात और उड़ीसा में एक साथ होता है तो गुजरात गुजरात और उसके अलावा ओडिशा ठीक है ना गुजरात और ओडिशा दोनों में कब आता है 2001 में आता है ठीक है ना 2001 में गुजरात और उड़ीसा दोनों में क्या हो जाता है भाई पुस्तकालय अधिनियम जो है वो पारित कर दिया जाता है इसके अलावा यहां से आपको ध्यान रखना है गुजरात ओडिशा के बाद में उत्तराखंड ठीक है ना तो यहां से उत्तरांचल या उत्तराखंड उत्तरांचल या उत्तराखंड जिसको कहते हैं उसमें आ गया था अपना 2005 में ठीक है ना 2005 में आ गया था इसके अलावा उत्तरांचल के जस्ट बाद में आ जाइए आप कहां पर भाई राजस्थान में आ जाइए राजस्थान के बाद में उत्तर प्रदेश में आ जाइए तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश ठीक है ना राजस्थान और यूपी की मैं बात करूं यहां से तो दोनों में ही एक साथ यहां से ध्यान रखना है आपको टू में दो में लागू हो गया था इसके अलावा लक्ष्यद्वीप का ध्यान रखना आपको लक्ष्यद्वीप लक्ष्य दिए जाता है दो हजार सात में ठीक है ना दो हजार सात के बाद में आप चले जाओ कहां पर भाई छत्तीसगढ़ में ठीक है ना छत्तीसगढ़ में भी कब आ जाता है दो हजार दो हजार सात में आ जाता है ठीक है ना छत्तीसगढ़ में इसके अलावा जान रखना आपको बिहार का बिहार में कब आता है भाई बिहार में दो हजार आठ में आ जाता है ठीक है ना बिहार कब आता है बिहार यहां से ध्यान रखना आपको बिहार दो हजार आठ में आ जाता है इसके अलावा यहां से अरुणाचल की ध्यान रखना आपको अरुणाचल अरुणाचल का ध्यान रखना है 2009 में 2009 में कहा पारित कर दिया जाता है तो यहां से आपको ध्यान रखना है 2009 में पारित हो जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में और नवीनतम ऐसा राज्य है जिसमें हाल ही में पुस्तकालय अधिनियम जो है वो लागू किया गया है ठीक है ना बिहार जो जो दो हजार सात में आ गया था भाई ठीक है ना दो सो दो हजार आठ में आ गया था बिहार तो इस प्रकार से जितने भी जो है, है अधिनियम सारे के सारे आपको क्या रखना है भाई इंपोर्टेंट है, जाते हैं नए नए प्रश्न प्रश्न की और भाई बिल्कुल की में आपको रखना है। किसके बारे में यहां से प्रश्न पूछा गया है and, includes, knowledge, knowledge से किसकी पहल है तो बिल्डिंग बिल्डिंग एनक्लूज नॉलेज सोसाइटी इज ए इंटरेक्टिव ऑफ यानी किसका यह पहल है या किसकी है शुरुआत की गई है किसके द्वारा की गई है बिल्डिंग इनक्लूज नॉलेज सोसाइटी इनमें से किसकी पहल है ऑप्शन दिया गया है ओसीएलसी है इफला है एनकेसी है यूनेस्को है और एएलए है हाँ, लाइब्रेरी सेस जो पांच राज्यों में भाई फटाफट से बता दीजिए प्रश्नों की संख्या ज्यादा है समय कम है तो जल्दी से आप आंसर कर सकते हो भाई इसका सही जवाब क्या होगा बिल्डिंग एनक्लूज नॉलेज सोसाइटी किसकी पहल है भाई? इनमें से किसकी पहल है फटाफट से जवाब दे दीजिए भाई केरला रह गया है क्या भाई कोई बात नहीं है केरला में नवासी में हुआ था हरियाणा और केरला दोनों में साक्षी कह रहे हैं आई थिंक सी ऑप्शन ठीक है बिल्कुल सीबा बेगम ई ऑप्शन बता रहे हैं भाई देखिए यहां से इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो क्या होगा बड़ा ही महत्वपूर्ण और लेटेस्ट प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई ऐसे प्रश्नों को इग्नोर कभी भी इग्नोर मत किया करो आप लोग एग्जाम में पूछे गए हैं यहां से ध्यान रखना है बिल्डिंग एनक्लूज नॉलेज सोसाइटी इनमें से किसकी पहल है तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए भाई मैंने बता दिया आरती ने सी बताया भाई हाँ तो सही ऑप्शन क्या होगा भाई मुझे तो सही जवाब का क्या है इंतजार है भाई गुड इवनिंग गौतम भाई गंगानगर से जुड़ चुके हैं वेरी गुड इवनिंग आपको भी मुझे तो सही जवाब का इंतजार है बता तो सबने दिया है नहीं पता है सर जी रश्मि कह रही है भाई आरती कह रही है मैंने केरला वाला बता दिया था बिल्कुल भाई बता दिया था बहुत अच्छी बात है सेशन को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए भाई आप लोग अपना जो प्यार है वो यहीं दिखाइए आप ताकि हमें भी लगे हमें मोटिवेशन मिले उससे ताकि आपके लिए रोजाना एक नई सीरीज या एक नई क्लास जो है वो शुरू कर सके बिल्कुल देखिए इसका सही जवाब क्या होगा बिल्डिंग एनक्लूज नॉलेज सोसाइटी जो है वो किसकी पहल है तो ध्यान रखना है ओसीएलसी की पहल है ओसीएलसी वही ओसीएलसी है जिसको कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के नाम से सॉरी इसमें ओसीएलसी नहीं होगा भाई थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें इसका सही जवाब क्या होगा यूनेस्को होगा भाई इसका सही जवाब यूनेस्को होगा भाई रश्मि कह रही है ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा बेटा ऐसा नहीं है उत्तर देते ही उत्तर दे दिया ऐसा नहीं है इसका सही जवाब क्या होगा यूनेस्को होगा कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा भाई फटाफट से इसका सही जवाब जो है आप क्या नोट करेंगे यूनेस्को यानी बिल्डिंग इनक्लूज नॉलेज सोसाइटी जो है वो इनमें से किसकी पहल है यूनेस्को की पहल है बिल्कुल ओसीएलसी की नहीं है यूनेस्को की पहल है मैं भी यही देख रहा हूं भाई कौन यूनेस्को या ओसीएलसी का आंसर सही डालता है तो सही जवाब क्या हो जाएगा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहां से अब देखिए बात कर लेते हैं किसके बारे में ओसीएल इसके बारे में यूनेस्को के बारे में एक दो बातें हम क्या करेंगे दो एक दो बातें शामिल करेंगे एक तो इसका महत्वपूर्ण कथन है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है एक देखिए इसका कथन है कि युद्ध पुरुषों और महिलाओं के दिमाग में शुरू होते हैं एक इसका कथन है किसका भाई ओ सी एल सॉरी यूनेस्को का कि युद्ध जो है युद्ध पुरुषों और महिलाओं के दिमाग में शुरू होते हैं यहां से आपको ध्यान रखना है युद्ध पुरुषों और महिलाओं के युद्ध पुरुषों और पुरुषों और युद्ध पुरुषों और महिलाओं के पुरुषों और महिलाओं के दिमाग में शुरू होते हैं युद्ध पुरुषों और महिलाओं के महिलाओं के दिमाग में पुरुषों और महिलाओं के दिमाग में दिमाग में शुरू होते हैं युद्ध पुरुषों और महिलाओं के दिमाग में शुरू होते हैं पहली लाइन ठीक है ना कि युद्ध पुरुषों और महिलाओं के दिमाग में शुरू होते हैं इसलिए शा... इसलिए शांति की रक्षा का निर्माण पुरुषों और महिलाओं के दिमाग में ही किया जाना चाहिए क्या ध्यान रखना है इसलिए इसलिए शांति की इसलिए शांति की इसलिए क्या ध्यान रखना है इसलिए शांति की रक्षा का निर्माण इसलिए शांति की शांति की रक्षा का निर्माण शांति की रक्षा का निर्माण निर्माण पुरुषों और महिलाओं के दिमाग में ही किया जाना चाहिए शांति का निर्माण पुरुषों और पुरुषों और महिलाओं के पुरुषों और महिलाओं के पुरुषों और महिलाओं के महिलाओं के दिमाग में ही क्या <Attendert losers> पुरुषों और महिलाओं के दिमाग में ही किया जाना चाहिए दिमाग में में ही किया जाना चाहिए किया जाना चाहिए ठीक है ना ये कथन जो है दोस्तों ये किसके द्वारा कहा गया है एग्जाम में आपको इस प्रकार का प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है तो ध्यान रखना है ऐसा प्रश्न या ऐसा जो कथन है वो किसके द्वारा दिया गया है यूनेस्को के द्वारा कहा गया है कि युद्ध पुरुष और महिलाओं के दिमाग में शुरू होते हैं इसलिए शांति की रक्षा का निर्माण पुरुष और महिलाओं के दिमाग में ही किया जाना चाहिए यह कथन किसका है यूनेस्को का है नोट कर लीजिए इंपोर्टेंट है कहीं किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको इसके अलावा देखो यहां से मैं बात करूं यूनेस्को क्या है ठीक है ना तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है ठीक है ना यानी कि इनकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं यहां से तो यहाँ से देखो यूनेस्को की फुल फॉर्म निकल के आएगी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये संयुक्त राष्ट्र संघ की यानी कि जो सॉरी जो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी एक विशेष एजेंसी है यह है शिक्षा विज्ञान संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति का निर्माण करने के लिए इस एजेंसी का स्थाप, इस एजेंसी को स्थापित किया गया है यानी यूनेस्को को स्थापित किया गया है यह शिक्षा विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में क्या करती है भाई कार्य करती है साथ ही आपको ध्यान रखना है कि यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का भी क्या है एक सदस्य है यानी कि यूएनएस

दुनिया भर में 50 से अधिक इसके क्या है भाई 50 से अधिक दुनिया भर में इसके क्षेत्रीय कार्यालय इसके रीजनल ऑफिस है इसमें लगभग एक सौ देश कितने 193 नाइन्टी थ्री जो कंट्रीज है वो क्या इसके सदस्य हैं एक सौ देश तो इसके क्या है भाई सदस्य हैं साथ ही आपको ध्यान रखना है 11 इसके सहयोगी सदस्य हैं ग्यारह इसके क्या है सहयोगी सदस्य हैं ये बात भी आपको क्या रखनी है इंपोर्टेंट तौर पर ध्यान रखनी है यानी कि ये जो आंकड़ा मैं बता रहा हूं ये अप्रैल 2020 तक का आंकड़ा अपने पास अप्रैल 2020 तक का बता रहा हूं मैं आपको ठीक है ना करंट में मत शामिल कर लेना आप इसको ठीक है साथ ही आपको ध्यान रखना है कि यूनेस्को के तीन सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है यानी कि ऐसे तीन देश हैं जो यूनेस्को के सदस्य हैं यूनेस्को के तो सदस्य हैं लेकिन यूएनओ के सदस्य नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है कौन कौन से हैं आपको ध्यान रखना है ऐसे देश जो क्या है भाई जो यूनेस्को तो के तो क्या है जो यूनेस्को यूनेस्को के तो सदस्य हैं यूनेस्को के तो सदस्य हैं लेकिन किसके सदस्य नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है ठीक है ना संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है सदस्य नहीं है ये बात आपको क्या रखनी है ध्यान रखनी है अब ऐसे देश कौन कौन से हैं थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन भी हमें होना चाहिए ठीक है ना तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कुक आइलैंड का ठीक है ना इसके अलावा दूसरा ध्यान रखना है न्यू का और तीसरा जो नाम है वो फिलिस्तीन ठीक है ना तो कुक आईलैंड पहला नाम क्या ध्यान रखना है तो कुक आइलैंड कुक आइसलैंड और दूसरा ध्यान रखना है आपको किसका दूसरा नाम ध्यान रखना है आपका नीयू का ठीक है ना नीयू ये भी एक देश का नाम है भाई नीयू और तीसरा नाम ध्यान रखना है फिलिस्तीन का तीसरा नाम ध्यान रखना है फिलिस्तीन का ये तीन ऐसी कंट्रियां हैं जो यूनेस्को का तो ये क्या है यूनेस्को की तो मेंबर है लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की मेंबर नहीं है ठीक है ना इसके अलावा तो मैं बात करूं यहां से तो कुछ ऐसे भी देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के तो सदस्य हैं लेकिन यूनेस्को के सदस्य नहीं है ठीक है ना तो यहां से यह भी आपको ध्यान रखना है कि क्या है भाई ये संयुक्त राष्ट्र संघ के तो सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के तो क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ के तो सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के तो क्या है भाई सदस्य हैं लेकिन क्या है भाई लेकिन लेकिन किसके सदस्य नहीं है लेकिन यूनेस्को के सदस्य नहीं है लेकिन यूनेस्को के सदस्य नहीं है ठीक है ना सदस्य नहीं है यहां उल्टा हो रहा है वहां क्या हो रहा था यहां हो रहा था यूनेस्को के सदस्य तो है लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है लेकिन यहां क्या हो रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के तो सदस्य है लेकिन यूनेस्को के सदस्य नहीं है इनमें आपको ध्यान रखना है यहां से आपको क्या ध्यान रखना है ये यूनेस्को के सदस्य नहीं है उनका नाम हम क्या करेंगे यहां शामिल करेंगे ठीक है ना तो ऐसे देश कौन कौन से है पहला नाम तो आपको ध्यान रखना है इसराइल का ठीक है ना पहला नाम ध्यान रखना है इसराइल दूसरा नाम ध्यान रखना है आपको लिंग टेस्टीन ये भी क्या है देश है लिंग टेस्टीन ठीक है ना इसके अलावा तीसरा जो देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका ये संयुक्त राज्य अमेरिका भी यूनेस्को का सदस्य नहीं है ठीक है ना तो पहला नाम आपका इसराइल ठीक है ना पहला नाम हो जाएगा इसराइल दूसरा नाम ध्यान रखना है आपका लिंक लिंकटेस्टीन ठीक है ना तो यहां से आपको ध्यान रखना है लिंक टेस्टीन लिंक टेस्ट ठीक है ना इसके अलावा तीसरा जो देश है वो आपको ध्यान रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका ठीक है ना संयुक्त राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका ये भी किसका सदस्य नहीं है तो यूनेस्को का सदस्य नहीं है ठीक है ना ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी थी यूनेस्को के बारे में ठीक है ना आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि यूनेस्को को किस वर्ष एस्टेब्लिश किया गया था बढ़ जाते हैं साथ ही एक प्रश्न यहां से यह भी पूछा जाता है कि यूनेस्को का वर्तमान महानिदेशक कौन है वर्तमान इसका प्रेसिडेंट कौन है तो यह भी आप मुझे क्या कर सकते हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हो बढ़ जाते हैं नए प्रश्न की ओर <coughs> आज का नया प्रश्न है नॉलेज सोसाइटी की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया हुप्ट ऑफ नॉलेज सोसाइटी फ्रीडिज है यहां से डेनियल बेल है पीटर ड्रकर है एडवर्ड पार्कर है पार्क पॉरेट है तो इनमें से नॉलेज सोसाइटी जो शब्द है इसका गठन या इसकी अवधारणा जो है वो किसके द्वारा दी गई थी तो नॉलेज सोसाइटी किसके द्वारा इसकी अवधारणा दी गई फटाफट से बता दीजिए भाई कमेंट बिल्कुल रुकने नहीं चाहिए सर जी हमको पीएचडी करना है कहां से करें बताइए पीएचडी के लिए भाई कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी देखिए आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जो भी सीट्स वगैरह है वो निकलती रहती है तो आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं जैसे राजस्थान में अभी निकली थी महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय भरतपुर में ठीक है सर क्लास डेली होता है क्या बिल्कुल हाँ भाई डेली होता है जिस किसी यूट्यूब चैनल पर जुड़े हो उसको सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना इसके अलावा इसके डिस्क्रिप्शन में बता चुका हूं एप्लीकेशन का लिंक है फ्यूचर लाइब्रेरी इन एप्लीकेशन जो कि डेडिकेट है किसको जो कि डेडिकेट है पूरा का पूरा सब्जेक्ट को अपनी लाइब्रेरी साइंस को ठीक है ना इसके अलावा यहां से मैंने एक आपको एक व्हाट्सअप और नया फीचर जो कि व्हाट्सअप चैनल है उसका लिंक दिया हुआ है तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हो जुड़ सकते हो ठीक है ना इसके अलावा हमारे टेलीग्राम का लिंक इसमें दिया हुआ है तो आप यहां क्या कर सकते हो ज्वाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल देखिए भाई ऑप्शन आ रहे हैं आप लोगों के ए ऑप्शन आ रहा है किसी का किसी का सी आ रहा है जैसे कि हाँ रश्मि का जवाब आ गया यूनेस्को की जो यूनेस्को को कब एस्टाब्लिश किया गया था 1946 में स्टैब्लिश किया गया था ठीक है ना आंद्रे अजोले बिल्कुल सही जवाब आ गया यूनेस्को के प्रेसिडेंट रश्मि जी पहले नेट निकाले हैं क्या बाद में करिएगा ज्यादा बेटर रहता है बिल्कुल भाई आरती सही कह रही है पहले नेट क्वालीफाई करो उसके बाद में आप क्या कर सकते हो हाँ फ्यूचर लाइब्रेरियन कह रहे हैं भाई कोई है अपने स्टूडेंट है कौन है सर डीमोटिवेट फील हो रहा है भाई डीमोटिवेट मत होइए आप देखिए जब तक आप खुद कुछ नहीं करेंगे आप खुद ही निराश हो जाएंगे तो आपका काम नहीं होने वाला है आप अपने आप को हमेशा तरोताजा रखो भाई कि मुझे जो कुछ आता है या फिर मुझे जितना नॉलेज है उतना नहीं है किसी को अपने आप को हमेशा एनर्जी फुल रखो आप डीमोटिवेट होने वाला काम ही नहीं है भाई तो देखिए आपका जवाब आ चुका होगा भाई यहाँ से क्या है भाई ऑप्शन क्या दिए गए यहाँ से यहाँ दिया गया है नॉलेज सोसाइटी की अवधारणा को किसने विकसित किया था मैं बता देता हूं इसका सही जवाब जो है वो दोस्तों हो जाएगा सी ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा भाई करेक्ट हो जाएगा पीटर ड्रूकर नॉलेज सोसाइटी की अवधारणा का जो डेवलपमेंट है वो किसके द्वारा पी, पीटर ड्रूकर के द्वारा किया गया था लाइब्रेरी की वैकेंसी जल्द आएगी आप चिंता मत कीजिए अनाउंसमेंट जल्दी होने वाला है आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए सनी सिंह जवाब दे रहे हैं भाई मैच दे रहे हैं भाई नहीं होगा इसका सही जवाब क्या होगा नॉलेज सोसाइटी की अवधारणा पीटर ट्रोकर द्वारा एटीन में दी गई थी भाई ठीक है ना सही जवाब क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहां से ठीक है ना आगे बढ़ जाते हैं यहां से आगे बढ़ेंगे नया प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय वर्ष में कितने दिन कार्य करता है नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इन एयर तो सही जवाब क्या हो जाएगा फटाफट से भाई काफी अच्छा प्रश्न आ रहा है भाई फटाफट से जवाब दे दीजिए आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए सही जवाब क्या होगा सी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल भाई सी ऑप्शन बता रहे हैं सी ऑप्शन यानी तीन दिन 350 दिन है 360 है तीन और पूरा साल क्या हो सकता है इसका सही जवाब सी ऑप्शन आ रहा है तीन सौ बासठ आ रहा है भाई पूजा का पूजा कश्यप भाई तीन सौ बासठ बता रहे हैं यहां से साक्षी भी दो जगह जवाब दे रहे हो भाई आप सनी क्या कह रहा है भाई हम्म देखिए बिल्कुल सी जवाब आ रहे हैं भाई सभी दोस्तों के ठीक है डी ऑप्शन बता रहे भाई जेड एक्स क्यूब गई डी ऑप्शन बता रहे हैं भाई डी ऑप्शन होगा क्या अरे नहीं होगा भाई ऑप्शन क्या होगा सी आंसर करेक्ट होगा भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो वर्ष में तीन दिन क्या करता है केवल और केवल तीन दिन क्या करता है ये कार्य करता है भाई ठीक है ना तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय की बात करूं तो इसको भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय इंपीरियल लाइब्रेरी के स्थान पर इंपीरियल इंपीरियल लाइब्रेरी द चेंज ऑफ नेम एक्ट अधिनियम के द्वारा इसको 1948 में इसको अस्तित्व में लाया गया था इसे भारत के संविधान की संघीय सूची सूची की सातवीं अनुसूची में अनुच्छेद बासठ के अंतर्गत रखा गया है ठीक है ना राष्ट्रीय महत्व का विशेष संस्थान का इसको दर्जा गया दर्जा दिया गया है ठीक है ना भारतीय अगर संविधान की मैं बात करूं तो संविधान में आपको ध्यान रखना है संविधान में कौन सी संघ सूची में तो आपको ध्यान रखना है सातवीं अनुसूची में ठीक है ना कौन से अनुसूची तो सातवीं अनुसूची और सातवीं अनुसूची में भी आपको ध्यान रखना है कौन से अनुच्छेद में तो यहाँ से अनुच्छेद की आपको आर्टिकल का ध्यान रखना है अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा तो यहां से अनुच्छेद तो जो है दोस्तों अनुच्छेद हो जाएगा आपका 62 62 ठीक है ना आर्टिकल 62 में इसका उल्लेख किया गया है और यह एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का विशेष दर्जा इसको दिया गया है और किस अधिनियम के तहत इसको बनाया गया है तो इंपीरियल लाइब्रेरी द चेंज ऑफ नेम एक्ट के तहत 1948 में राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है वो उन्नीस में क्या आया था अस्तित्व में आया था यह बात आपको ध्यान रखना है इससे पहले इसका जो कार्य था वो पहले का कार्य अः कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से प्रारंभ हुआ करता था ठीक है ना यहां से मैं बात करूं तो तत्कालीन जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है मौलाना अबुल कलाम आजाद उन्होंने एक फरवरी उन्नीस सौ को इसको जनता के लिए जनता को क्या कर दिया भाई जनता को समर्पित कर दिया एक फरवरी उन्नीस को एक फरवरी उन्नीस सौ त्रेपन में तत्कालीन क्या थे भाई तत्कालीन अपने शिक्षा मंत्री थे ठीक है ना कौन से मंत्री तत्कालीन जो मंत्री थे उन्होंने क्या कर दिया तत्कालीन मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा मौलाना अबुल कलाम अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसको क्या कर दिया गया भाई जनता के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा आज़ाद के द्वारा इसको जनता के लिए एक फरवरी सन उन्नीस में ओपन कर दिया था ठीक है ना ये भी आपको क्या रखने हैं इंपॉर्टेंट तौर पर ध्यान रखने वाली बात है भाई राष्ट्रीय पुस्तकालय की अगर मैं बात करूँ इसकी उत्पत्ति की तो इसकी उत्पत्ति का जो पता है वो पूर्व है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जिसकी स्थापना उन्नीस शताब्दी के पूर्वार्ध में हुई थी और जिसे 21 मार्च अठारह को जनता के लिए खोला गया था ठीक है ना पहले ही क्या था कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी था ठीक है ना उसको 21 मार्च अठार में कलकत्ता लाइब्रेरी कब बनता है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कलकत्ता कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी ठीक है ना कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी ठीक है ना पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना जो है वो कब होती है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना तो आपसे आपको ध्यान रखना है इक्कीस मार्च 21 मार्च 1836 को इसकी स्थापना होती है ठीक है ना बाद में ये इंपीरियल लाइब्रेरी के रूप में बदलता है इंपीरियल लाइब्रेरी से कहा आता है भाई इंपीरियल लाइब्रेरी से ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के रूप में इसको तब्दील कर दिया जाता है ये भारत ये भारत का एक आधिकारिक क्या है भाई संग्रहालय भी है ठीक है ना राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय और राष्ट्रीय भंडार भी है ठीक है ना यहां देश में प्रकाशित पुस्तकों की पुस्तकों को डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 के तहत संरक्षित किया जाता है ना आपको यह भी बढ़ जाते हैं आगे की प्रश्न की ओर नया प्रश्न हमारे पास है सीसी में देखिए कोलन क्लासिफिकेशन की बात हो रही है सीसी में एकता यानी यूनिटी ईश्वर यानी गॉड विश्व यानी वर्ल्ड विकास में प्रथम यानी फर्स्ट इन एवोल्यूशन आदि के लिए एक का उपयोग किया जाता है किसका भाई एक नंबर का यूज किया जाता है उपयोग किस रूप में किया जाता है ये पूछ रहा है आपको तो उपयोग के लिए मौलिक स्मृति संकेत यानी सेमिनल नेमोनिक्स के नेमोनिक्स के रूप में सेडोल नेमोनिक्स के रूप में या अल्फाबेटिकल न्यूमोनिक्स के रूप में या फिर इस, ए, Numenics, Numenics के रूप में इसका यूज किया जाता है सिंथेटिकल न्यूमेरिक के रूप में तो इनमें से कौन सा जवाब जो है वो बिल्कुल सही होगा भाई सीसी में आपने देखा होगा कोलन क्लासिफिकेशन में सबको किससे डिनोट करते हैं एक से डिनोट करते हैं कि क्या है भाई यहां से एकता जो है वो एक ही है ठीक है ना एकता में ही शक्ति है इसके अलावा विश्व जो है वो एक है भगवान जो है वो एक है गोड़ जो है वो एक है ठीक है ना तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है भाई इन सबको एक से ही क्या किया गया है इस इन सबको एक से ही इंगित किया गया है एक ही नंबर से इंगित किया गया है ओनली ओनली फॉर वन से ठीक है ना तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि इन सबको एक अंक से अंकित तो किया गया है लेकिन उसका रीजन क्या है उपयोग किस रूप में किया गया है तो यहां से आपको ध्यान रखना है किस रूप में किया गया है सेमिलन निमोनिक्स के रूप में किया गया है सेड्यूल निमोनिक्स के रूप में अल्फाबेटिकल न्यूमोनिक्स के रूप में या सिंथेटिकल न्यूमोनिक्स के रूप में किया गया है किस रूप में किया गया है फटाफट से कमेंट कर दीजिए भाई अरे अल्फाबेटिकल कैसे होगा यहां तो क्या आ रहा है आपको ध्यान रखना है आपको अंक आ रहा है ये ठीक है ना यहां इसको जो डिनोट किया गया है वो सेमिनल निमोनिक्स के रूप में जिसको क्या कहते हैं मौलिक स्मृति संकेत के रूप में इसको ऐड किया गया है ठीक है ना आप देखोगे वहां पे सेमिनल निमोनिक्स में वहां इसका नंबर मिलेगा आपको एक और एक में किसको दर्शाया गया है तो एक में गोड को दर्शाया गया है यूनिटी को दर्शाया गया वर्ड को दर्शाया गया है ठीक है ना सबको किससे प्रदर्शित किया, किया गया है? एक से प्रदर्शित किया गया है ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट हो जाएगा मौलिक स्मृति संकेत कोलन क्लासिफिकेशन की बातचीत करें हम यहाँ से तो कोलन क्लासिफिकेशन के बारे में भी बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं भाई जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही क्या है भाई महत्वपूर्ण है इसी सीसी को हम कहते हैं कोलन क्लासिफिकेशन इसी को हम किस नाम से कोलन क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं जिसको बनाने का श्रेय जो है वो किसको जाता है डॉक्टर एस आर रंगानाथन को जाता है डॉक्टर एस आर रंगानाथन डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो कि क्या करते हैं भाई डॉक्टर एस आर रंगनाथन सन 1933 में प्रकाशित करते हैं 1933 में इसका प्रथम संस्करण जो है वो क्या करते हैं इसका प्रथम संस्करण प्रकाशित करते हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन 1933 में इसका फर्स्ट एडिशन क्या करते हैं पब्लिश कर देते हैं अब तक इसके कुल सात संस्करण आ चुके हैं भाई जैसे कि पहला संस्करण आया नाइनटीन में दूसरा संस्करण आया नाइनटीन में तीसरा है नाइनटीन में फोर्थ एडिशन है 1952 में फिफ्थ एडिशन आया 1957 में सिक्स एडिशन आया 1960 में में सेवेंथ एडिशन आया 1987 में इसका एक रिप्रिंट आया हुआ है यहाँ से 1963 में ठीक है ना तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है सात संस्करण अब तक आ चुकी है इसका भारतीय पुस्तकालय विज्ञान की ठीक है तो यहां से आपको ध्यान रखना है अब तक कुल कितने तो सात संस्करण जो है प्रकाशित हो चुके हैं इसके साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है यह है भारत की प्रथम आधिकारिक पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति थी क्या थी भाई भारत की प्रथम आधिकारिक पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति क्या ध्यान रखना है भारत की प्रथम आधिकारिक भारत की क्या प्रथम आधिकारिक पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति भारत की पुस्तक प्रथम आधिकारिक क्या थी भाई प्रथम आधिकारिक जो साइंटिफिक मेथड पर आधारित थी आधिकारिक वर्गीकरण पद्धति थी ठीक है ना कौन सी पद्धति वर्गीकरण की एक स्कीम थी, थी? वर्गीकरण की एक पद्धति थी कौन सी थी तो कोलन क्लासिफिकेशन थी ठीक है ना इससे पूर्व भारत में कोई क्लासिफिकेशन की स्कीम नहीं थी और यहां से आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसको बनाने का श्रेय जो है वो किसको जाता है डॉक्टर एस आर रंगानाथन को जाता है डॉक्टर एस आर रंगनाथन की बात करूं तो भारतीय पुस्तकालय विज्ञान का जनक भारतीय पुस्तकालय विज्ञान का जनक भारतीय पुस्तकालय पुस्तकालय विज्ञान का क्या कहा जाता है भारतीय पुस्तकालय विज्ञान का जनक इनको कहा जाता है विज्ञान का जनक कहा जाता है साथ ही भारतीय पुस्तकालय का राजकुमार इन्हें कहा जाता है इसके अलावा यहां से आपको ध्यान रखना है, है भारत का प्रथम वर्गाचार्य क्या ध्यान रखना है भारत का प्रथम भारत का प्रथम क्या हो जाएगा भाई प्रथम वर्गाचार्य वर्गाचार्य बोले तो वर्गाचार्य बोले तो क्लासिफिकेशनिस्ट तो भारत का प्रथम क्लासिफिकेशनिस्ट भी कौन था डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे ठीक है ना फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी यही थे बिल्कुल भाई और कुछ भी जैसे कि बहुत सारी पुस्तकें इनके द्वारा पब्लिश की गई है काफी सारे वीडियोस में मैंने वो सारी की सारी बातें जो है एक्सप्लेन की है तो आने वाले टाइम में और करेंगे बढ़ जाते हैं नए प्रश्न की ओर भाई प्रश्नों की संख्या ज्यादा रह गई है एक्सप्लेनेशन कम करेंगे थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश जल्दी करेंगे निम्न में से किन स्थानों पर ट्रिपल आर आर एल एफ राजा राममोहन रॉय के क्षेत्रीय कार्यालय है इन विच ऑफ द जोनल ऑफिस ऑफ ट्रिपल आर एल एफ आर लोकेटेड तो यहां से दिया गया है भाई इनमें से कौन कौन सी जगह पर क्या है भाई क्षेत्रीय कार्यालय है जैसे दिल्ली है यहां से दिल्ली के अलावा त्रिवेंद्रम है यहां से मुंबई है यहां से और हैदराबाद है फटाफट से कमेंट कर दीजिए मेरे साथियों जल्दी से जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए सही जवाब हो हो दी हो क्या होगा लड्डू गोपाल ए होगा भाई ए होगा कि डी होगा क्या होगा बता दीजिए फटाफट से यहां से आपको कुछ एक कोड दिए गए ए ओ डी सही है ए और सी सही है बी ओ डी सही है बी और सी सही है सही जवाब क्या होगा फटाफट से बता दीजिए भाई लड्डू गोपाल का जवाब ए आ गया है साक्षी का बी आ गया भाई आरती का बी आ रहा है माई माई लव देसी प्रेमी बी ऑप्शन बता रहे हैं भाई आरती का जवाब जो है वो ए आ रहा है गुरविंदर सिंह का जवाब भी आ रहा है सुमन का जवाब भी आ रहा है भाई यहां से पूजा कश्यप का भी आ रहा है क्या बता रहे हो भाई यहाँ से कमेंट शो नहीं हो रहे भाई जो लोग फ्यूचर लाइब्रेरियन ऑफिशियल पे जुड़े हुए हैं वो यहाँ आ सकते हैं भाई फ्यूचर लाइब्रेरियन फॉर लाइब्रेरी साइंस पे सचिन कुमार कह रहे हैं सचिन कौर कह रहे हैं भाई सुखचैन कौर है ये सर फाइव लोज का पोस्टमार्टम कर दिया आपने बिल्कुल भाई पोस्टमार्टम कर दिया बिल्कुल देखिए सबका जवाब आ रहा है सुमन का जवाब भी आ रहा है भाई अब देख लेते हैं भाई इनका भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं सबसे पहले क्षेत्रीय कार्यालय की बात करेंगे हम तो देखो यहाँ से पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय की बातचीत करूंगा यहाँ से तो देखो मैं बात करू इसकी ट्रिपल आरल की तो इसकी चार क्षेत्रीय कार्यालय है ठीक है ना चार क्षेत्रीय कार्यालय की बात करेंगे हम सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो उत्तर में स्थित है ठीक है ना उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय की उत्तर उसके बाद में है दक्षिण दक्षिण उसके बाद में है पूर्वी पूर्वी या पूर्व उसके बाद में है आपका पश्चिम ठीक है ना पश्चिम ठीक है ना चार इसकी क्या है भाई रीजनल या जोनल ऑफिस है ठीक है ना तो यार जो क्षेत्रीय कार्यालय उनके बारे में बात करें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है किस क्षेत्र में तो सबसे पहले उत्तरी क्षेत्र में जो कार्यालय है उसका नाम क्या है उत्तरी क्षेत्र में इसका कार्यालय है नई दिल्ली में ठीक है ना कहा उत्तरी क्षेत्र में इसका कार्यालय है नई दिल्ली में नई दिल्ली में ठीक है ना माइंड में कंटेंट रखना है सारी चीजें भूलनी नहीं है भाई उत्तरी क्षेत्र में तो दिल्ली में आ गया लेकिन दक्षिण की अगर मैं बात करूं तो दक्षिण में आ जाएगा कहां भाई चेन्नई में दक्षिण में कहा आ जाएगा चेन्नई में आ जाएगा पूर्व में बात करूं तो ये क्या आ जाएगा भाई पूर्व में जाएगा कलकत्ता में आ जाएगा पूर्वी में ठीक है ना और पश्चिम में बात करूं तो यहां से आ जाएगा मुंबई कार्यालय है इस कितने? चार हैं। भारत उन्नीस सौ बहत्तर की बात है उन्नीस सौ बहत्तर भारत में पुस्तकालय आंदोलन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण वर्ष था देश उन्नीस में ब्रिटिश प्रशासन से अपनी आजादी की रजत जयंती मना रहा था संजोग से यह एक अंतरराष्ट्रीय पुस्तक वर्ष भी था 1972 जब ट्रिपल आर एल की स्थापना होती है ठीक है ना राजा राम मोहन रॉय जो लाइब्रेरी फाउंडेशन है उसकी स्थापना कब होती है 1972 में 1973 में क्या बनाया गया था पुस्तक वर्ष पुस्तक वर्ष बनाया गया था किसके द्वारा यूनेस्को के द्वारा और उन्नीस में स्थापना होती है किसकी ट्रिपल आर की स्थापना होती है ठीक है ना और ये जो पुस्तक वर्ष मनाया गया था इसमें नारा दिया था, ना, गया था सभी के लिए किताबें ठीक है ना सभी के लिए पुस्तकें या सभी के लिए किताबें इस नारे इसका जो नारा था या इसका जो स्लोगन था वो क्या था भाई पुस्तक वर्ष का स्लोगन सभी के लिए किताबें सभी के लिए क्या हो जाएगा सभी के लिए किताबें ठीक है ना सभी के लिए किताबें ये इसका स्लोगन वाक्य था ठीक है ना उसी समय की बात है इतना ही नहीं है मतलब उसके बाद में यह है एक भारतीय समाज सुधारक की उस समय एक क्या थी भाई द्वितीय शताब्दी जयंती थी ठीक है ना दो सौवीं शताब्दी जयंती थी किसकी तो राजा राम मोहन रॉय की और राजा राम मोहन रॉय की दो सौ वे जन्मदिवस पर क्या कर दिया गया इसकी स्थापना कर दी गई इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया ठीक है ना साथ ही आपको ध्यान रखना है यहां से कि ट्रिपल आर एल एफ को राजा राम मोहन रॉय के दो सौ वे जन्मदिवस राजा राम मोहन रॉय राजा राम मोहन रॉय राजा राम मोहन रॉय के दो सौ वे जन्मदिवस पर राजा राम मोहन रॉय के कौन से जन्मदिवस पर दो सो वे जन्मदिवस के उपलक्ष्य में दो सो वे जन्मदिवस दो सो वे जन्म दिवस दो सो जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किसकी स्थापना होती है दो सौ जन्मदिवस इनका मनाया जाता है 1972 में उस समय स्थापना होती है ट्रिपल आरआरएलएफ की यानी राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना होती है उस समय ठीक है ना अब यहां से ये भी आपको ध्यान रखना है जो ट्रिपल आरआरएलएफ है यहां से एक प्रश्न आता है इसको जो पंजीकृत किया गया था यानी इसको पंजीकृत या हम क्या कह सकते हैं इसको रजिस्टर्ड करने का जो कार्य है वो किस एक्ट के तहत किया गया था ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है ठीक ना तो ऐसा प्रश्न का जवाब आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम उन्नीस या पश्चिम बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट उन्नीस एक के तहत इसको क्या किया गया था ए, इसको रजिस्टर किया गया था ठीक है ना तो ये भी आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल यहां से आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल सोसाइटी पश्चिम बंगाल सोसाइटी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम पंजीकरण अधिनियम कौन सा अधिनियम सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1961 1961 उन्नीस के तहत इस संस्था को क्या किया गया था रजिस्टर्ड किया गया था इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इस ट्रिपल आर एल एफ का हेडक्वार्टर यानी कि बात करें इसके मुख्यालय की तो मुख्यालय भी ध्यान रखना है सोल्ट लेक कोलकाता में इसका क्या है भाई सोल्ट लेक कोलकाता में इसका मुख्यालय है जी और ये चार क्षेत्रीय कार्यालय मैंने बताया आपको यहां से कौन कौन से नजर आ रहे हैं आपको नई दिल्ली दिख रहा है क्या नई दिल्ली दिख रहा है तो सही है भाई यहाँ से चेन्नई दिख रहा है क्या कहीं चेन्नई है क्या नहीं है भाई तो चेन्नई नहीं छोड़ दीजिए ठीक है ना इसके अलावा कलकत्ता दिख रहा है क्या कलकत्ता भी इसमें नहीं है मुंबई है क्या भाई इसमें मुंबई है तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा ए और सी करेक्ट हो जाएगा ठीक है ना ए और सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो कौन सा आएगा यहाँ से ए और सी ये वाला करेक्ट हो जाएगा आपका ठीक है बढ़ जाते हैं भाई टाइम काफी ज्यादा हो गया फटाफट से इन प्रश्नों को कवर करते हैं भाई स्कूनल की बात हो रही है स्कूनल सूचना साक्षरता के सात स्तंभ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सूचना साक्षर सा... कौन से सूचना साक्षरता के स्तंभ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी अकॉर्डिंग टू स्कूनल सेवन पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी यानी कि ये कहना चाह रहा है स्कूनल जो है वो एक क्या है भाई सूचना साक्षरता से जुड़ा हुआ क्या है भाई एक प्लेटफॉर्म है एक तरीके से और इसकी सूचना साक्षरता कितने स्तंभ है इसके इसके सात स्तंभ है इनमें से उन सात में से इनमें कौन कौन से हैं वो आपको बताना है यहाँ से बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई तो सूचना के जो सात स्तंभ है वो कौन कौन से दिए गए हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है स्कूनल के सात पिलर्स का नाम बता रहा हूं मैं आपसे लिखूंगा नहीं यहां पे क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया भाई पहला यहां से आइडेंटिफाई पहला इसका जो पिलर है वो कौन सा है आइडेंटिफाई यहां है क्या आइडेंटिफाई भाई आइडेंटिफाई बिल्कुल है तो करेक्ट हो जाएगा दूसरा है यहां से इसका स्कोप स्कोप है क्या इसमें देखिए यहां से कहीं भी स्कोप है क्या स्कोप नहीं है लेकिन इसका पिलर है ठीक है ना प्लेन प्लेन भी है क्या इसमें प्लेन नहीं है प्लेन भी क्या है इसका पिलर है ठीक है ना

बी सीओडी हो जाएगा ठीक है ना बी सी ओडी ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा करेक्ट आपका बढ़ जाते हैं आगे की प्रश्न की ओर आगे की प्रश्न की ओर देखो यहां से निम्नलिखित में से ट्रिपल आर आर एल एफ के उद्देश्य है उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो सही जवाब क्या होगा संदर्भ केंद्र के रूप में कार्य करना क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करना पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करना पुस्तकालय आंदोलन को प्रोत्साहित करना तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे भाई सही हो जाएंगे सारे जवाब सही है इसके ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नया प्रश्न है निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों को उनके अधिनियम नियमन के वर्ष के अनुसार क्या कीजिए व्यवस्थित कीजिए प्रश्न इजी है थोड़ा सा टाइम लगने वाला होता है बस ये याद होने चाहिए आपको सारे के सारे जो अधिनियम बताए हुए हैं भाई तो so, सबसे पहले तो एडजस्ट करना है इनको देखो गुजरात वाला देख लेते हैं सबसे पहले तो गुजरात में कब आया था भाई यहां से तो आप कमेंट कर सकते हो गुजरात में कब आता है दो हजार दो हजार एक में आता है गुजरात में उड़ीसा में भी दो हजार एक में आता है लेकिन यहां ओडिशा ऑप्शन नहीं है इसके अलावा गोवा की बात हो रही है गोवा में कब आता है नाइनटीन थर्टी थ्री में आता है उन्नीस सौ तिरानवे में इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात हो रही है यहां से छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट छत्तीसगढ़ को छोड़ दीजिए एक बार राजस्थान को देख लेते हैं दो हजार छह में आता है राजस्थान में अब छत्तीसगढ़ वाले की बात करें हम यहां से भाई छत्तीसगढ़ में जो पुस्तकालय अधिनियम है वो कब पारित हुआ था भाई छत्तीसगढ़ की बात हुई है यहां से छत्तीसगढ़ में आता है भाई दो में ठीक है ना तो बच्चों याद रखना 2008 में ठीक है ना तो अब क्या करना है व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले तो देखो क्या आ जाएगा सबसे पहले आ जाएगा 1993 यानी गोवा वाला तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी देखिए कहां आ जाएगा सी एरा उसके बाद में गुजरात आ जाएगा गुजरात के बाद में क्या बच गया हमारे पास राजस्थान आ जाएगा और राजस्थान के बाद में क्या आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़ आ जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा से सबके बारे में फिर से बता देता हूं एक बार एक ही लाइन में बोल दूंगा यहां से से कि कौन कौन अधिनियम है तमिलनाडु जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया था वो आया था 1948 में 1948 में आंध्र प्रदेश में आया था 60 में कर्नाटक में आया था पैंसठ में महाराष्ट्र में सड़सठ में महाराष्ट्र के बाद में वेस्ट बंगाल उन्नीस में नाइनटीन में इसके अलावा मणिपुर सॉरी महाराष्ट्र के बाद में वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में 1979 में मणिपुर में आया था 1988 में इसके अलावा केरला में एटीन एटी में इसके अलावा हरियाणा में भी एटीन एटी नाइन में इसके अलावा मिजोरम में नाइनटीन नाइनटी में इसके अलावा गोवा में 1993 में इसके अलावा उड़ीसा में टू थाउजेंड में सॉरी टू थाउजेंड में ठीक uh, uh, है 2002 में इसके अलावा गुजरात में भी 2002 में इसके अलावा उत्तरांल या उत्तराखंड में 2005 में इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2006 में राजस्थान में 2008 में लक्षद्वीप सॉरी राजस्थान में 2006 में इसके अलावा लक्षद्वीप में लक्षद्वीप में 2007 में बिहार में 2008 में छत्तीसगढ़ में 2008 में अरुणाचल में 2009 में इस प्रकार से सारे एक्ट बता चुका हूं 19 के 19 नोट कर लेना आराम से वीडियो को पोज करके बढ़ जाते हैं आगे के प्रश्न की ओर ओसीएलसी की, की शोध रिपोर्ट के अनुसार अपने समुदाय और उसकी आवश्यकता को समझना रंगनाथन के किस नियम का पुनः व्यवस्थापन है, है भाई बहुत ही अच्छा प्रश्न है एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है भाई यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है सामानो फटाफट से कमेंट कर दीजिए भाई आपकी आपकी कमेंट का इंतजार रहता है हमें सर सब बता चुके हैं हाँ बिल्कुल भाई सब कुछ बता चुके हैं गोवा गुजरात राजस्थान बिल्कुल अरे लाइक शेयर कर दीजिए इसको वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि और भी अपने जो साथी है वो भी जुड़ सके ऐसा नहीं है कि वो आपकी नौकरी खा जाएंगे आपकी नौकरी नहीं खाएंगे और आपके एक लाइक से एक लाइक और शेयर से मेरे को यहां से प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला तो फटाफट से दबा के लाइक शेयर ठोक दीजिए देखिए इसका जवाब क्या होगा ओसीएलसी की शोध रिपोर्ट के अनुसार अपने समुदाय किसके समुदाय यानी कि योर कम्युनिटी की बात हो रही है आपके समुदाय और उसकी आवश्यकता योर कम्युनिटी एंड इट्स नीड समुदाय की आवश्यकता को समझना रंगनाथन के किस नियम का पुनः व्यवस्था बने सही जवाब क्या हो जाएगा भाई इसका जल्दी बता दीजिए भाई मुझे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फर्स्ट लो हो जाएगा सेकेंड लो थर्ड लो फोर्थ लो कौन सा लो हो जाएगा न्यू क्वेश्चन बिल्कुल आ चुका है भाई नया क्वेश्चन देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा पहला लो क्या है पुस्तके उपयोग के लिए है ठीक है ना पहला लो क्या है भाई पुस्तके किसके लिए है पुस्तके उपयोग के लिए है पुस्तके उपयोग के लिए है पुस्तके उपयोग के लिए है ठीक है ना दूसरा सूत्र क्या है प्रत्येक पाठक को क्या मिले प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले प्रत्येक पाठक को उसकी क्या मिले भाई प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले तीसरा सूत्र क्या है प्रत्येक पुस्तक को भी उसका क्या मिले तो प्रत्येक पुस्तक को उसका क्या मिले प्रत्येक पुस्तक को पुस्तक को उसका पाठक मिले ठीक है ना उसका पाठक मिले इसके अलावा फोर्थ जो लॉ है वो क्या कहता है फोर्थ लॉ कहता है पाठक का क्या करो आप पाठक का समय बचाओ पाठक का समय बच्चा ठीक है ना ये आपको ध्यान रखना है ये चार सूत्र है यहाँ चारों के बारे में पूछ रहा है और इन्हें पूछ के आ रहा है देखो शोध रिपोर्ट के अनुसार अपने समुदाय और उसकी आवश्यकता को समझना अपने समुदाय और उसकी आवश्यकता यानी समुदाय है उसको क्या चाहिए ऐसा कौन सा सूत्र कह रहा है भाई सर जी क्लास कितने बजे तक होगा पार्क जाना है अरे तो मोबाइल को साथ में ले जाओ पार्क में जाना है तो आप कौन से इतने कोई बड़े डिजिटल बोर्ड पे देख रहे हो इसको मोबाइल ले जाओ साथ में आराम से देखिए यहां से भाई पूछ क्या रहा है भाई अपने समुदाय और उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखना या उसको समझना यानी हमारा कोई भी समुदाय उसको किस चीज की आवश्यकता है तो यहां से सूत्र कौन सा हो जाएगा प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले तो यहां से सूत्र क्या हो जाएगा सेकंड लो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब हो जाएगा तो यहां से देखो प्रश्नों की संख्या तो बहुत पड़ी है अभी हमारे पास भंडार पड़ा है प्रश्नों का लेकिन समय जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है ठीक है ना और इस क्लास को हम क्या करेंगे कल नए से इसी को हम क्या करेंगे दोबारा से प्रारंभ करेंगे इसमें जो भी क्वेश्चन हमारे पास शेष रहे हैं उन सारे क्वेश्चनों का हम क्या करेंगे एनालिसिस करेंगे पुनः मुलाकात करेंगे आप सभी से अभी तक जितने प्रश्न हो गए हैं उनके बारे में ठीक है आप थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ाई करो साथ में मैंने बताया आपको यू, अपना YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करके जाइएगा आराम से इसके साथ में आपको ध्यान रखना है अपना जो यूट्यूब सॉरी व्हाट्सअप का जो चैनल लिंक है उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम लिंक दिया गया है इसके अलावा अगर आप भी करना चाहते हो इस प्रकार की तैयारी या इस प्रकार से पढ़ना चाहते हो देखो लोगों के पास क्या है आपके पास प्लेटफॉर्म काफी सारे मिल जाएंगे लेकिन वहां सारा मेटेरियल आपको छपा छपा मिलेगा टीचर आएगा ऐसे वैसे अंडरलाइन करके जाएगा ऐसे हाँ बच्चों ये पढ़ लीजिए ठीक है ना हमारे यहाँ सीन वो नहीं है यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे जो सीन है ना वो सिर्फ दिमाग का है यहाँ जो बातें हैं जो भी कंटेंट है ना वो सर सिर्फ इस दिमाग के अंदर है यहां वो नहीं है छपाया हुआ है उसको बोल रहे हैं जा रहे हैं ऐसा काम नहीं है अपने यहाँ बिल्कुल भी ठीक है तो आप अगर इस प्रकार से स्टडी करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं फ्यूचर लाइब्रेरी इन एप्लीकेशन फ्यूचर लाइब्रेरी इन एप्लीकेशन जो डेडिकेट है केवल और केवल लाइब्रेरी साइंस को तो एक नए जोश और जुनून के साथ तो पुनः आपसे मुलाकात करेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत mm <clears throat>